नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे भाई सब लोग। तो सबको नमस्कार, प्रणाम एंड हैप्पी होली। सबको होली मुबारक हो भाई। चलिए, तो आज एक तो मुझे नया कंसेप्ट आपको समझाना है, और ये है पावर फैक्टर एंड पावर के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे इसके बारे में, बट बहुत कुछ मैं इसमें ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते हो, और ख़ासकर जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो वहाँ पर आप मिस्टेक करते हो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कुछ आपको पता है बट बहुत कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं पता है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो आप लोग सब लोग को एक बार शेयर कर दीजिए। सबको होली मुबारक हो भाई। उम्मीद करता हूँ सबकी होली बहुत अच्छी गई होगी, एंड मतलब लाइफ बड़ी मज़ेदार होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसी तरह से आपने लाइफ को इन्जॉय भी किया होगा, आज का दिन भी बड़ा इन्जॉय किया होगा उम्मीद करता हूँ। तो होली सबको मुबारक हो, ठीक है जी, और सबको नमस्कार मेरी तरफ से। चलिए, तो आज का टॉपिक जो है उसको मुझे डिस्कस करना है, और वो है पावर फैक्टर एंड पावर के बारे में। मैं फिर से बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट को पता होता है, बट इसमें कुछ और कंसेप्ट हैं जो शायद आपको नहीं पता है, और जिसकी वजह से आप कई जगह पर मिस्टेक करते हो। और वो कौन सी जगह है वो बता दूं, खासकर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह का कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मेक श्योर कि आप सब लोगों को कनेक्ट कर लें, सब लोगों को एक बार जोड़ लें, सो दैट सब लोग इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूं तब तक मैं, ठीक है, समय वेस्ट नहीं करते हैं और कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, आप लोगों ने पावर पढ़ा होगा, पावर फैक्टर पढ़ा होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पावर में आपने तीन चार ये टर्म्स पढ़ी होंगी। एक पढ़ा होगा एक्टिव पावर, सबसे पहले तो आपने इंस्टेंटेनियस पावर पढ़ा होगा, इंस्टेंटेनियस पावर कुछ नहीं होती है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट कर दीजिए, उससे क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास कोई नेटवर्क है और उसमें वोल्टेज मैंने मान लीजिए VT ले लिया, ये मान लीजिए मेरे पास वोल्टेज है VT और ये करंट है IT, ये मान लीजिए करंट है मेरा IT, तो जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी दैट विल बी PT एंड PT विल बी इक्वल टू VT इंटू IT। ये आप जानते होंगे, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा पावर के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट जरा देखिए, अब हम देखने वाले हैं दूसरा, हमने देखा होगा एक्टिव पावर, दूसरा हमने पढ़ा होगा एक्टिव पावर के बारे में। एक्टिव पावर क्या होती है दोस्तों, जो इसकी एवरेज वैल्यू होती है, जो ये इंस्टेंटेनियस पावर होती है इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है उसको हम एक्टिव पावर बोलते हैं, जो कंज्यूम हो सकती है, ठीक है, उसको हम एक्टिव पावर बोलते हैं, ये आपको पता होगा। नंबर थ्री अपेरेंट पावर, ये भी आपको पता होगा अपेरेंट पावर क्या होती है। और नंबर फोर रिएक्टिव पावर। बेसिकली ये चार टर्म आपने सुनी होंगी। इंस्टेंटेनियस पावर तो बड़ा ही आसान है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट कर लो, इससे जो पावर आ जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर। इसका नाम इंस्टेंटेनियस क्यों पड़ा, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए इसका नाम इंस्टेंटेनियस पड़ा, ठीक है। दूसरा एक्टिव पावर कौन सी पावर होती है, जो असली ताकत होती है, जो आपकी बाजुओं की ताकत होती है, ठीक है, जो आपके अंदर जो ताकत है वो आपकी एक्टिव पावर बनेगी। रिएक्टिव पावर मतलब दिखावटी ताकत, ठीक है, और अपेरेंट पावर का मतलब है दोनों को मिला के जो पावर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपेरेंट पावर बोलते हैं। एग्जांपल मैंने आपको वीडियोस में भी, जो आपने लेक्चर लगाया होगा उसमें भी दिया था, एक्टिव पावर का मतलब है, जरा देखिए मतलब, और रिएक्टिव पावर का मतलब अगर मैं समझाऊं तो मैं एक एग्जांपल से ऐसे समझा सकता हूं कि मान लीजिए कि मैं बाइक पे जा रहा था, मैंने एग्जांपल शायद क्लास में दिया हो, एक फनी एग्जांपल है, बाइक पे जा रहा था और किसी पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, और पुलिस वाला बोला भाई तुमने हेलमेट नहीं लगा रखा तो चालान कटेगा। तो मैंने बोला भाई मैं मोदी जी का आदमी हूँ, ठीक है, तो सोचिए मैं मोदी जी का आदमी हूँ, मैंने बोलते ही और शायद मेरा चालान ना कटे, ठीक है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है, कि चलो मैंने किसी मंत्री का नाम ले दिया और मेरा चालान नहीं कटा, क्या मंत्री की पावर कंज्यूम हुई? नहीं जी, मंत्री की पावर कंज्यूम नहीं हुई, लेकिन और मंत्री को पता भी नहीं चला, लेकिन मेरा काम बन गया। इसका मतलब कोई पावर वहाँ पे काम कर रही है जो कंज्यूम नहीं हो रही है, उस पावर को हम क्या नाम देंगे, रिएक्टिव पावर, ठीक है। अब आप एक, अब आप घर आ गए हो, घर पे आप चारा काटने वाली मशीन के सामने खड़े होकर मशीन को बोल रहे हो
कि चलो घूमना शुरू हो जाओ, या घर में जो फैन है उसको बोल रहे हो कि चलो घूमना शुरू हो जाओ, मैं मोदी का आदमी हूँ, ठीक है, तो क्या वहाँ पे काम होगा? नहीं जी, वहाँ पे काम नहीं होगा। क्या वो फैन घूमना शुरू कर देगा? ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको कौन सी पावर चाहिए बताइए? एक्टिव पावर भी जरूरत पड़ेगी, आपको बाजुओं की ताकत चाहिए उसको घुमाने के लिए, ठीक है। जैसे आप चारा काटने वाली मशीन को बोल रहे हो, तो वहाँ पर फिर आपको अपनी ताकत लगानी पड़ेगी तभी वो घूमेगी। मतलब आपको एक्टिव पावर, मैकेनिकल पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है भाई। तो वो आपको एक्टिव पावर बनेगी, ठीक है। अपेरेंट पावर क्या होती है? इन दोनों का मिला के जो हम पावर बोलते हैं वो अपेरेंट पावर होती है, ठीक है। ये सब लोगों को पता है, मुझे लगता है ये सब जानते होंगे। और अगर मैं पावर ट्रेंगल से बोलूं तो ये मेरा वी आई कोस फाई, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाई, ये मेरी एक्टिव होगी। वी आई साइन फाई, ये मेरी रिएक्टिव होगी। एंड वी इंटू आई क्या बनेगी? अपेरेंट पावर। ये वॉट में होती है, वॉट या किलो वॉट या मेगा वॉट में होती है। ये VA में होती है, वोल्ट एम्पियर में होती है। और ये VAR में होती है, या KVAR या MVAR में होती है, ठीक है भाई। ये सब लोग जानते होंगे, बट मैं क्या बताने वाला हूँ, ये जो आपने फॉर्मूले आपने डिराइव किए हैं, ये केवल तब एप्लीकेबल है जब आपका जो सोर्सेज हैं वो प्योर साइन वेव हो, सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्सेज होने चाहिए। मतलब करंट वोल्टेज और जो करंट होना चाहिए वो सेम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, उनमें फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और वो भी प्योर साइन वेव होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अदरवाइज यहाँ पे आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ और सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब चलिए वो जरा सोचते हैं, ठीक है, कि क्या इसमें नया है। मैंने क्यों आज का ये एपिसोड जो है इतने, मतलब ये जो ऐसा टॉपिक जो जिसको आपने इजीली पढ़ लिया होगा उस टॉपिक पे क्यों रखा है ये, ठीक है। मतलब उसको मैंने मतलब एक्टिव रिएक्टिव पावर के नाम से क्यों रखा है, उसका रीजन है, वो मैं आपको समझाऊंगा और उसमें आप कंफ्यूज भी होंगे, देखना। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो पावर हमने निकाली है वी आई कोस फाई या वी आई साइन फाई, ये जो पावर है ये कब एप्लीकेबल है बताओ? जब ये प्योर साइन वेव हो और ये भी प्योर साइन वेव हो और फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है, तब मैं ये रूल लगाऊंगा, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। उसी के लिए डिफाइन किया गया ये एक्टिव रिएक्टिव एंड अपेरेंट। अच्छा, पावर फैक्टर क्या होता है? देखो, पावर फैक्टर को कुछ लोग अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। पावर फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? तीन चार तरीके होते हैं पावर फैक्टर। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले पावर फैक्टर एंगल, फाई। फाई इज नोन एज पावर फैक्टर एंगल। अगर ये एक बार मेरे पास आ जाए तो उसके बाद मैं कोसाइन ले लूंगा इसका, मेरे पास क्या आ जाएगा? पावर फैक्टर, आप जानते हो। और पावर फैक्टर एंगल निकालने के कई सारे मेथड है मेरे पास। क्या मेथड है सुनिए, आपने बोला होगा कि जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है मेरे पास और उस सर्किट पे मैंने कोई वी वोल्ट लगाया, ठीक है, कोई सोर्स लगाया और वो था वी एंगल थीटा वी मान लीजिए, और जो करंट है वो आ गया मेरे पास आई एंगल थीटा आई। दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के हैं भाई, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? दोनों साइनोसॉइड हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, दोनों साइनोसॉइड हैं, ये ध्यान देना, मैं साइनोसॉइड पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी होने का मतलब कुछ अलग होता है। सेम फ्रीक्वेंसी होने का मतलब इसके अंदर कई सारे हार्मोनिक होंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, और इसके अंदर भी कई सारे हार्मोनिक होंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के। वो केस मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, वो अभी कंसीडर करूंगा, लेकिन मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे साइनोसॉइड बोल रहा हूँ, मतलब साइन वेव है ये या कोसाइन वेव है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है, एक ही फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो उस केस में अब पावर फैक्टर एंगल कैसे निकालते हो? दो तीन तरीके होते हैं। पहले आप वोल्टेज को प्लॉट कर लेते हो और फिर करंट को प्लॉट कर लेते हो और उनके बीच का जो एंगल होता है थीटा वी माइनस थीटा आई, वोल्टेज का एंगल थीटा वी है, करंट का एंगल थीटा आई है, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा वी माइनस थीटा आई, दिस इज नोन एज पावर फैक्टर एंगल फाई। सही बात है, इस तरह से आप पावर फैक्टर एंगल निकालते हो। एक तरीका ये होता है, एक बार एंगल आ जाए पावर फैक्टर एंगल, फिर आप क्या ले लेते हो? उसका कोस फाई ले लेते हो, उस तरह से पावर फैक्टर आ जाएगा। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड आपने पढ़ा होगा इंपीडेंस से। जैसे मान लीजिए इसका नेटवर्क का मुझे इंपीडेंस एंगल पता है थीटा जेड, तो अगर मेरे पास थीटा जेड आ गया तो थीटा जेड ही मेरा फाई होता है। इंपीडेंस एंगल, इक्वलेंट इंपीडेंस अगर आ जाए तो इक्वलेंट इंपीडेंस एंगल ही मेरा क्या बन जाएगा? पावर फैक्टर एंगल बन जाएगा, और उसी का फिर मैं कोस फाई ले लूंगा, आपके पास क्या आ जाएगा? पावर फैक्टर। अब लैगिंग आएगा कि लीडिंग आएगा वो आपको इंपीडेंस के एंगल से देखना पड़ेगा, कि अगर एंगल पॉजिटिव है तो लैगिंग, और अगर इंपीडेंस अगर एंगल मेरा नेगेटिव है तो लीडिंग आ जाएगा ये। और यहां पे जो ये वाला तरीका था, इसमें अगर करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा, लीड कर रहा है तो लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ये चीज आपने मेरे ख्याल से पढ़ी होगी, उम्मीद है ये आपको सबको पता होगा। बोलिए भाई, ये इतना तो पढ़ लिए होगे, हाँ या ना? ठीक है, बोलिए, इतना पढ़ लिए क्या? बोलिए। ओके, विकास कुमार सिंह ने बहुत अच्छा कमेंट किया, चाचा विधायक है तो ये रिएक्टिव पावर है। हाँ, ये सही बोले आप, ये रिएक्टिव पावर है, ठीक है। चलिए, तो भाई असली ताकत एक्टिव पावर होती है। हाँ जी,
ठीक है, यहां तक आप पढ़ लिए होंगे दोस्तों, ठीक है ना, यहां तक आप पढ़ लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। मैंने बताया एक्टिव रिएक्टिव के बारे में, बट पावर फैक्टर की डेफिनेशन में जो आपने ये तरीका निकाला है ये मैथमेटिकली करेक्ट है, आंसर भी ठीक आएगा, बट ये जो इसकी जो डेफिनेशन है ये कुछ अलग है। और मैं आपको सही बताऊं, वो मैंने लेक्चर में पढ़ाया भी है बट मैंने उसको आगे तक नहीं पढ़ाया, मैं थोड़ा सा और आगे तक एक्सप्लेन करूंगा आज। इसमें नाम से ही क्लियर है, ये पावर फैक्टर, इसका मतलब क्या, ये पावर का फैक्टर है, ये कोई पावर का फैक्टर होगा, ये रेशियो होगा पावर का, फैक्टर माने रेशियो, ठीक है ना, तो कुछ रेशियो होगा ये पावर का। तो अगर मैं पावर फैक्टर को डिफाइन करूं, हालांकि ये मैंने पढ़ाया है, मैं आज कुछ और पढ़ाने जा रहा हूं आपको पहले, लेकिन एक बार ये मुझे बताना जरूरी है, पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर होता है जितनी भी मेरी अपेरेंट पावर आ रही है, जो टोटल आपको अपियर हो रही है पावर, अपेरेंट पावर जो है उसका कितना हिस्सा एक्टिव है, उसको हम बोलेंगे पावर फैक्टर, उसको हम बोलेंगे पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, एक्टिव डिवाइड बाई अपेरेंट। अब अगर आप बात करें कोई मंत्री की, कोई कोई मिनिस्टर की अगर आप बात करेंगे, तो उसकी जो अपेरेंट पावर है बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उसके साथ एक अजीब सी पावर चलती है साथ में, लोगों की पावर, मिनिस्ट्री की पावर, ठीक है, तो मतलब उनको एक पावर मिली होती है, जो अपेरेंट पावर होती है उनकी बहुत ज़्यादा होती है, बट उनके अंदर जो एक्टिव पावर होती है, सोचिए उम्र होगी 70 साल 65 साल नहीं, तो एक्टिव पावर जो होगी उनकी, बाजुओं की जो ताकत होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी। तो इसका मतलब जो टोटल अपेरेंट पावर है उसमें से जो एक्टिव पावर है बहुत ही कम है, तो पावर फैक्टर बेसिकली उससे डिफाइन होता है। एक्चुअल डेफिनेशन जो है पावर फैक्टर की वो ये है कि जो अपेरेंट पावर है उसका कितना हिस्सा मेरा एक्टिव है, ये मेरी क्या बनेगी, ये मेरा पावर फैक्टर बनेगा। अब सुनिए कुछ लोग क्या बोलते हैं, जरा देखिए अपेरेंट पावर क्या होती है, एक्टिव पावर होती है वी आई कॉस फाई, जरा देखिए भाई वी आई कॉस फाई, ठीक है, और अपेरेंट होती है वी आई, ये आरएमएस वैल्यू है भाई, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, करंट की आरएमएस, ये कट गया तो इससे मेरे पास पावर फैक्टर आ गया। बहुत बढ़िया भाई, आपने बिल्कुल सही किया। तो यहां से आप ये भी बोल सकते हो अपेरेंट इंटू कॉस फाई इक्वल टू एक्टिव, इक्वल टू एक्टिव, ठीक है, यहां से आप ये भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा एक और चीज जरा देखिए, पावर ट्रायंगल बनाते हैं एक बार, मान लीजिए इधर मेरा वी आई है अपेरेंट पावर, ये मेरे पास फाई एंगल है, तो वी आई कॉस फाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये है मेरा वी आई कॉस फाई, दिस इज एक्टिव, और ये जो जो वर्टिकल जो आएगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा वी आई साइन फाई, दिस इज रिएक्टिव। आप ऐसे लिखते हो पावर ट्रायंगल, ठीक है, वी आई अपेरेंट है तो अपेरेंट का कॉस फाई ले लोगे तो एक्टिव, अपेरेंट का साइन फाई ले लोगे तो रिएक्टिव, पावर ट्रायंगल इसको हम बोलते हैं जनरली, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। तो मैंने आपको बताया ये सारी बातें आपको पता है, इसमें कोई भी नई चीज मैंने नहीं बताई। यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं, जरा देखिए ये एक्टिव है, ये रिएक्टिव है और ये अपेरेंट है। यहां से अगर मैं देखूं तो मैं ये बोल सकता हूं एक्टिव का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव का स्क्वायर इक्वल टू अपेरेंट का स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से अपेरेंट पावर क्या आ जाएगी बताओ, विल बी इक्वल टू रूट ऑफ एक्टिव का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव का स्क्वायर। सही बात है, ये सबको पता है मेरे हिसाब से, तो अभी तक मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, अभी तक वही बताया जो आप जानते हो। लेकिन मुझे दिक्कत कहां पे है, दिक्कत मुझे इस फॉर्मूले से है, ठीक है, ये फॉर्मूला गलत नहीं है, ये फॉर्मूला सही है, बट स्टिल मुझे दिक्कत है इससे। तो चलिए दिक्कत क्या है मैं बताने वाला हूँ आपको कि मुझे इस फॉर्मूले से क्या दिक्कत है, ठीक है, और असल में जो पावर फैक्टर का जो कंसेप्ट है उसमें आप कहाँ पे, यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहे हो आप, लेकिन एक पॉइंट को मिस कर गए हो। जनरली हम ऐसे ही पढ़ते हैं और हमने ऐसे ही पढ़ा होगा, आप जहाँ से भी पढ़े हो सबने ऐसे ही पढ़ा होगा, अब ये एक कन्फ्यूजन पैदा करता है, बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के कुछ कमेंट देख लेता हूँ। सर जीरो पावर फैक्टर क्या होता है, जीरो पावर फैक्टर का मतलब है कि जो मेरी अपेरेंट पावर है उसका कोई भी हिस्सा एक्टिव नहीं है, एक्टिव कंपोनेंट कितना है, जीरो। जो पावर आ रही है, जितनी भी पावर आ रही है उसका कोई भी हिस्सा एक्टिव नहीं है, जीरो। इसका मतलब उसके अंदर टोटल रिएक्टिव पावर है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है, बिकॉज अगर एक्टिव जीरो हो गया तो अपेरेंट पावर रिएक्टिव के बराबर हो जाएगी, अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से चलूँ तो, ठीक है ना। तो जीरो पावर फैक्टर का मतलब ये है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ जी, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग क्या होता है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग का मतलब प्योरली इंडक्टिव लोड, ठीक है, ये आपने खैर पढ़ा होगा, ठीक है। जीरो पावर फैक्टर लीडिंग का मतलब है
प्योरली कैपेसिटिव, बिकॉज प्योर कैपेसिटर जो होता है वो जीरो पावर फैक्टर, उसका पावर फैक्टर जीरो होता है, कोई एक्टिव नहीं लेता, बट करंट लीडिंग लेता है, तो इसलिए उसको जीरो पावर फैक्टर लीडिंग बोल देते हैं, और इंडक्टर में जीरो पावर फैक्टर लैगिंग बोल देते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए, तो कॉम्प्लेक्स पावर मिस हो गया। कॉम्प्लेक्स पावर कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स पावर मैं उस पर ध्यान नहीं देने जा रहा, वो आसान ही है, मतलब उसको अपेरेंट को या आप रियल, इसको रियल पार्ट लिख दो, इसको इमेजिनरी पार्ट लिख दो, ठीक है। तो पी प्लस जे क्यू आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं जिसके लिए मैंने आज का जो एपिसोड है वो मैंने चाहा था आपको बताना। जरा देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास ये कोई सोर्स है, ध्यान से समझना भाई, मान लीजिए ये मेरे पास कोई सोर्स है और ये है VT। मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं जो सबको आपको पता होगा, मान लीजिए इसके अंदर हार्मोनिक है और इसके अंदर भी हार्मोनिक है। VT इज इक्वल टू कुछ इस तरह का है, V नॉट प्लस V1 साइन ओमेगा नॉट T प्लस थीटा V1 प्लस V2 साइन 2 ओमेगा नॉट T प्लस थीटा V2 प्लस V3 साइन, इस तरह से अलग अलग हार्मोनिक है, मतलब ऐसे हार्मोनिक है भाई इसके अंदर, और साइन टर्म्स में मैंने सबको लिखा हुआ है, आप इनको कोसाइन में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं करंट ले लूँ, ऐसे ही अगर मैं करंट ले लूँ, एक बार रुकिएगा थोड़ा सा, आई थिंक मेरा आप ऑडियो सुन सकते हो भाई, क्योंकि ये शायद हिल गया हुआ है, बट एनीवे आई थिंक सब कुछ ठीक है। हाँ जी, अब जरा देखिए, करंट जो होगा वो होगा आई नोट, उसके अंदर भी मान लीजिए हार्मोनिक है मेरे पास, आई वन साइन ओमेगा नोट टी प्लस थीटा आई वन प्लस आई टू साइन टू ओमेगा नोट टी प्लस थीटा आई टू प्लस आगे तक ऐसे, ठीक है भाई। मतलब करंट के अंदर भी हार्मोनिक है और वोल्टेज के अंदर भी हार्मोनिक है, और मैंने दोनों को जानबूझ के किस में लिख लिया, साइनोसॉइड, साइन में लिखा है सबको, साइन में लिखा है। अब जरा देखिए, जो पावर आएगी, एक्टिव पावर या एवरेज पावर भी आप बोल सकते हो, एक्टिव पावर के कई सारे नाम होते हैं, एवरेज पावर, ट्रू पावर, रियल पावर, ठीक है, एक्चुअल पावर, ये कई सारे नाम होते हैं। तो इसमें जो एवरेज पावर जो इसमें जाएगी नेटवर्क के अंदर, जो मेरा नेटवर्क है इसके अंदर जो एक्चुअल पावर जाएगी, जो एवरेज पावर जाएगी, जो वॉट में जाएगी, वॉट में कौन सी जाती है, एक्टिव पावर, जो कंज्यूम हो जाती है, जो वापिस नहीं आती है, तो वो जो पावर होगी वो क्या होगी, वो होगी वी नॉट इंटू आई नॉट प्लस वन बाई टू समेसन वी के इंटू आई के कोस ऑफ थीटा वी के माइनस थीटा आई के फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। आप जानते हो, अगर मैं इसको बोलते पार्सेवल रिलेशन, ये मैंने आपको पढ़ाया होगा और आप मेरे ख्याल से सब लोग पढ़ चुके होंगे इस चीज़ को, इतने वॉट ये जो है ये मेरी एक्टिव पावर जाएगी, इतनी पावर इस नेटवर्क के अंदर जाएगी, ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा कहाँ से आया। अगर इसको खोल के देखोगे तो देखो ये बनेगा वी नॉट आई नॉट प्लस वन बाई टू, बोलिए वी वन आई वन कोस ऑफ थीटा वी वन माइनस थीटा आई वन प्लस वी टू आई टू, और देखिए यहाँ से मैं एक नई चीज़ बता सकता हूँ आपको, यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, क्या कंक्लूजन निकालूंगा जरा देखिएगा, और प्लस ऐसे ही आगे तक जाएगा। मैं ये बोल सकता हूं कि जब भी वोल्टेज के अंदर हार्मोनिक होंगे और करंट के अंदर हार्मोनिक होंगे तो जो ये एक्टिव पावर यहां से जो जाएगी उसमें सेम हार्मोनिक ही, वोल्टेज और करंट के सेम हार्मोनिक ही एक्टिव पावर को मिला के लेके जाते हैं। मतलब अगर वोल्टेज के अंदर डीसी है तो करंट के अंदर डीसी कॉम्पोनेंट होगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू, अगर वोल्टेज के अंदर डीसी कॉम्पोनेंट है तो करंट के अंदर भी जो डीसी कॉम्पोनेंट होगा उसके साथ मिलकर ही पावर जाएगी, वोल्टेज के डीसी कॉम्पोनेंट का करंट के डीसी कॉम्पोनेंट के साथ मिलके ही आगे पावर जाएगी, अदरवाइज पावर नहीं जाएगी। पॉइंट को समझिए, यहां पे अगर वी नोट है तो यहां पे आई नोट होगा, वही मिला के पावर को लेके जाएगा, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ये कभी भी इसके साथ या इसके साथ उनके साथ मिलके पावर, एक्टिव पावर कभी नहीं बनाएगा। सिमिलरली अगर वोल्टेज के अंदर फंडामेंटल है, ओमेगा नोट वाली टर्म जो है अगर वो है वोल्टेज के अंदर, तो करंट के अंदर भी जो ओमेगा नोट वाली टर्म होगी उसी के साथ मिलके पावर जाएगी। जरा देखो V1 और I1 ये यहां पे मिलके पावर, V1 जो है वो I2 के साथ नहीं है, V1 I1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए और फिर एक्टिव पावर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब है सेम सेम हार्मोनिक जो होते हैं वही मिलके पावर को, एक्टिव पावर को बनाते हैं, ठीक है। V1 जो है वो I1 के साथ मिलेगा, और क्योंकि ये मैक्स वैल्यू होती है इसलिए बाय टू करेंगे, अगर ये RMS वैल्यू ले लूंगा तो
तो फिर बाई टू नहीं करूंगा, वो टू हट जाएगा, ठीक है, बिकॉज मैक्स वैल्यू होती है तो नीचे टू आता है, ठीक है भाई। और डीसी कंपोनेंट जो होगा वो डीसी के साथ मिलके पावर दिखाएगा, इसको बोलते हैं पार्सेवल रिलेशन। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने ये चीज भी पढ़ी होगी, ठीक है भाई। चलिए बताइए, यहां तक सब लोगों ने पढ़ा है क्या? ठीक है, बोलिए भाई, बोलिए, आप लोग साथ साथ कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं उनके आंसर कर दूंगा आप लोगों को। तो जो चीज ना पता हो आपको, मुझे लगता है ये सब लोगों ने पढ़ लिया होगा अभी तक, ठीक है, एक्टिव रिएक्टिव पढ़ा होगा, और ये पार्शियल रिलेशन भी आप सब लोगों ने मेरे ख्याल से पढ़ ली होगी, ठीक है। अब जरा देखिए, अब मुझे दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत जरा देखिए क्या दिक्कत आने वाली आगे आपको, इसलिए मैं कह रहा था कि इस पावर की अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से बनाइए। दिक्कत क्या है सुनिए, मान लीजिए मेरे पास कोई नेटवर्क है और ये कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, मान लीजिए, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब जिसमें ये लगे होते हैं डायोड वगैरह, थायरिस्टर वगैरह, ठीक है, मॉसफेट लगा दिया, ठीक है, इस तरह के मान लीजिए सर्किट लगे हुए हैं, और यहां पे मान लीजिए मेरे पास सोर्स है, और मान लीजिए सोर्स मेरा प्योर साइन वेव है, ध्यान दीजिएगा, वीटी जो है वो प्योर साइन वेव है, ये ओमेगा टी है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये हाइट मान लीजिए वीएम है, और ये मेरे पास आईएम, ये माइनस वीएम है, ठीक है ना, हाँ जी, तो ये माइनस वीएम है, ठीक है भाई। अब सुनिए, ये तो प्योर साइन वेव है ना वोल्टेज, बट जो मेरा करंट है, सोचिए वो जो करंट है वो जरूरी नहीं है प्योर साइन वेव हो, वो कैसा भी हो सकता है। मैं ऐसे थोड़ा अजीब सा ले लेता हूँ करंट, मान लीजिए करंट की शेप थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट कैसी, एक मोमेंट के लिए मान लेता हूँ, चलो करंट मेरा इस तरह का है, या फिर मैं थोड़ा और डिफरेंट अगर लेना चाहूँ तो मैं करंट को और भी थोड़ा डिफरेंट बोल सकता हूँ। चलिए मैं मान लेता हूँ करंट मेरा इस तरह का है, ये तो सिंपल केस लेके चलते हैं, करंट मेरा इस तरह का है, पाई, ये 2 पाई, और ये पीक वाली हो करंट की आईएम, ये मेरा करंट है आईटी, ठीक है, वीटी मैं जानता हूं, वीटी है वीएम साइन ओमेगा टी, अगर वीटी की वोल्टेज की आप इक्वेशन लिखोगे तो वो बनेगी वीटी साइन ओमेगा टी, और करंट जो है वो प्योर साइन वेव है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर हार्मोनिक्स होंगे, इसके अंदर साइन या कोसाइन टर्म्स होंगी। फोरियर की अगर मैं बात मानूं, आप लोगों ने शायद सिग्नल अभी नहीं पढ़ा हो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने सिग्नल पढ़ा है, जो लोग फोरियर को पढ़ रहे हैं, फोरियर सीरीज जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि इस सिग्नल के अंदर क्या होंगे, हार्मोनिक्स होंगे। जैसे यहां पे मैंने हार्मोनिक्स लिखे ना करंट के अंदर, इनको बोलते हैं हार्मोनिक्स, ओमेगा नोट, 2 ओमेगा नोट, 3 ओमेगा नोट, इनको बोलते हैं हार्मोनिक्स, ये फंडामेंटल टर्म है, ये सेकंड हार्मोनिक है, ऐसे थर्ड हार्मोनिक 3 ओमेगा वाला, और ये कब होते हैं, जब आपका सिग्नल जो है वो पीरियोडिक हो बट प्योर साइन वेव ना हो, प्योर साइन या कोसाइन ना हो, तो उसके अंदर ऐसे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस सिग्नल के अंदर हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इस सिग्नल के अंदर एक डीसी कंपोनेंट होगा और हार्मोनिक्स होंगे, इसके अंदर हार्मोनिक्स होंगे, सही बात है। हार्मोनिक्स का मतलब ओमेगा नोट वाली टर्म होगी, 2 ओमेगा नोट वाली टर्म होगी, साइन के अंदर वोल्टेज के अंदर सिर्फ ओमेगा नोट वाली टर्म है, देखिए इसके अंदर कोई डीसी कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक डीसी टर्म होगी, कॉन्स्टेंट टर्म होगी, ओमेगा नोट वाली टर्म होगी, 2 ओमेगा नोट या 3 ओमेगा नोट वाली टर्म्स होंगी, मतलब इस तरह की टर्म्स आएंगी इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हार्मोनिक्स आएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से जो एक्टिव पावर जाएगी, जो एवरेज पावर जाएगी, पीटी एवरेज या एक्टिव पावर आप बोल सकते हो, एक्टिव पावर, वो कौन से कॉम्पोनेंट से जाएगी बताओ, वो कॉम्पोनेंट जाएगी, अगर यहां पर साइनसोइडल कॉम्पोनेंट है और ओमेगा नोट फ्रीक्वेंसी वाला कॉम्पोनेंट है, तो करंट में भी कौन सा होना चाहिए बताओ, सेम हार्मोनिक कॉम्पोनेंट होना चाहिए। ये हमने कहां पढ़ा है, ये अभी तो पार्शियल से देखा। अगर सोचिए वोल्टेज के अंदर सिर्फ ये कंपोनेंट है, सोचिए सिर्फ ये कंपोनेंट है, तो करंट के अंदर भी बताओ इसी फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट होना चाहिए, केवल इसी के साथ मिलकर एक्टिव पावर जाएगी। इसका मतलब जो पावर जाएगी एक्टिव पावर, वो क्योंकि वोल्टेज के अंदर साइनसोइडल कंपोनेंट है, केवल साइन वेव है, केवल ओमेगा नोट वाली टर्म प्रेजेंट है, तो करंट के अंदर भी क्या होनी चाहिए, सेम उसी फ्रीक्वेंसी की जो टर्म प्रेजेंट होगी, वही मिला के आपको, वही मिलके क्या बनाएगी, एक्टिव पावर बनाएगी। जैसा कि आप देखिए पिछले केस में आपने देखा होगा, ये जो V1 और ओमेगा नोट वाली जो टर्म है, यहां पे I1 और जो ओमेगा नोट वाली टर्म है, ये मिला के ये पावर बना रही है एक्टिव पावर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
सेम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो होते हैं वो मिलके पावर लेके जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट में अगर मैं बात करूं तो जो करंट का जो डीसी कंपोनेंट आएगा, अगर इसकी डीसी वैल्यू निकालूं, इसकी एवरेज वैल्यू निकालूं, तो एवरेज वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, 2 IM/π बनेगी, 2 नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो इसका डीसी कंपोनेंट ये आएगा, करंट में एक डीसी कंपोनेंट भी है, बट क्या ये डीसी कंपोनेंट पावर लेके जाएगा, यहां से सोर्स से पावर लेके जाएगा? नहीं जी, ये कोई एक्टिव पावर लेके नहीं जाएगा। ये कितनी एक्टिव पावर लेके जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि करंट के अंदर डीसी कंपोनेंट है, वोल्टेज तो प्योर साइन है ना, उसके अंदर कोई डीसी कंपोनेंट नहीं है। बोलिए भाई, ये समझ आया क्या? बिल्कुल सही है। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछे भाई यहां तक, ठीक है। सर, रेक्टिफिकेशन के बाद वोल्टेज भी नॉन साइनसोइडल हो जाएगा और उसमें भी हार्मोनिक्स होंगे ना? नहीं जी मिथिलेश, ऐसा नहीं होगा। वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है ना, सप्लाई वोल्टेज तो प्योर साइन वेव है ना। करंट जो है वो जो लोड में करंट आएगा वही करंट फिर आगे घूम के आएगा, मतलब इस तरह का। तो करंट अगर रेक्टिफाई हो रहा है तो वही फिर सोर्स में बनेगा। अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर ले लूं, जैसे मान लीजिए मैं सर्किट को इस तरह का ले रहा हूं, सोचिए हाफ वेव रेक्टिफायर ले रहा हूं, तो वोल्टेज तो मेरी प्योर साइन वेव है, बट जो लोड में करंट आएगा वही करंट सोर्स में भी आएगा, पॉइंट को समझिए। और लोड में कैसा करंट है? लोड में रेक्टिफाइड करंट है, क्योंकि लोड में जो वोल्टेज है इसके क्रॉस वो रेक्टिफाइड वोल्टेज है, हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज है, तो करंट भी हाफ वेव रेक्टिफाइड हो जाएगा और वही करंट सोर्स में आएगा। इसका मतलब वोल्टेज सोर्स की साइन वेव है, बट सोर्स का जो करंट है वो आपका साइन वेव नहीं है। तो इसका मतलब उसके अंदर हार्मोनिक्स आएंगे, लेकिन करंट का जो डीसी कंपोनेंट होगा वो पावर नहीं लेके जाएगा यहां से। क्यों? क्योंकि सोर्स के अंदर कोई डीसी कंपोनेंट है ही नहीं। तो कौन सा कंपोनेंट पावर लेके जाएगा? क्योंकि सोर्स के अंदर वीएम साइन ओमेगा टी है, क्योंकि प्योर साइन वेव है, तो इसके अंदर भी जो प्योर साइन वेव होगी, जो ओमेगा नोट वाली जो टर्म होगी, वही उसी की वजह से पावर जाएगी। सही बात है। चलिए मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर जो प्योर साइन वेव कंपोनेंट है वो है आई वन साइन ऑफ ओमेगा नोट टी, मे बी इस तरह का मान लेता हूं, एक मिनट के लिए, हालांकि कुछ मैं भी कुछ थीटा आई ले लेता हूं। चलिए मान लीजिए इसके अंदर जो फंडामेंटल कंपोनेंट है साइन वाली टर्म वो ये है, तो आप बता सकते हो एक्टिव पावर क्या आएगी? एक्टिव पावर जो आएगी वो आएगी 1/2। क्यों 1/2? क्योंकि ये मैक्स वैल्यू है और ये भी मैक्स वैल्यू है वीएम, तो 1/2 वीएम इंटू आई वन कोस ऑफ, बोलिए वोल्टेज का एंगल जीरो है इसके अंदर, कोई एंगल ऐड नहीं हो रखा, और इसमें थीटा आई, तो जीरो माइनस थीटा आई करोगे तो माइनस थीटा आई आएगा, लेकिन कोस के अंदर लिख रहे हो तो माइनस प्लस को नहीं देखते। ये मेरी एक्टिव पावर जाएगी दोस्तों, बोलिए कोई दिक्कत है तो। बिल्कुल सही है, इतने वोट यहां से एक्टिव पावर जाएगी। पहले ये बताओ आपको ये समझ आया कि नहीं आया, ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं कि पार्सेवल का रिलेशन का यूज करके मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि पावर जो जाएगी वो केवल और केवल फंडामेंटल कंपोनेंट की वजह से जाएगी। ये क्लियर हुआ क्या? पहले ये बताइए, बताइए भाई ये क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना, जल्दी बोलिए भाई, क्या ये क्लियर हुआ? बोलिए, मैं कुछ नया ही बता रहा हूं, आप के थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है, अभी नए पे आने वाला हूं। हाँ, अंकुश ने बोला है, सर करंट में हार्मोनिक कैसे लाइएगा जब वोल्टेज में साइन वेव है जो अपना आपने कंसिडर किया है? मैं आपको बता दूं, वोल्टेज सोर्स वोल्टेज साइन वेव है, जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज आएगी वो साइन वेव थोड़ी ना आएगी, वो तो रेक्टिफाइड वेव आएगी ना। अब आप सोचिए, अगर इसके अक्रॉस रेक्टिफाइड वेव है तो इसमें जो करंट आएगा वो क्या होगा? डिवाइड बाय आर कर दो बस। देखो आउटपुट वोल्टेज में ये बनेगा, ये इस तरह की हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज आएगी आउटपुट में, तो जो करंट आएगा वो क्या होगा? वो भी ऐसा ही आएगा, रेजिस्टिव लोड है ना, तो ये हो जाएगा वीएम बाय आर, सिंपल, करंट रेक्टिफाइड आएगा। जब वोल्टेज रेक्टिफाइड है तो करंट भी रेक्टिफाइड है, और वही करंट आपका सोर्स में घूमेगा, तो सोर्स मेरी साइन वेव है बट जो करंट है वो लोड डिसाइड करता है, ठीक है, तो करंट जो है वो रेक्टिफाइड है, ठीक है भाई। चलिए हाँ जी, आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है आपने यहां तक समझ लिया, ये मेरे पास एक्टिव पावर आ गई। मुझे बताइए अब अपेरेंट पावर क्या आएगी? अपेरेंट पावर जो सोर्स से जाएगी, बताइए अपेरेंट पावर क्या आएगी? अपेरेंट पावर बताइए क्या बनेगी? अपेरेंट पावर जो आएगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी, जरा देखें पीछे, अपेरेंट पावर मैंने क्या बताई आपको? अपेरेंट पावर क्या होती है? वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू इनटू करंट की आरएमएस वैल्यू। ये आरएमएस वैल्यू है भाई, अगर मैक्स वैल्यू होती तो बाई टू करते, जैसा कि हमने यहां पे कर रखा है। यहां पे देखो 1/2 किया, क्योंकि मैक्स वैल्यू ले रहा हूं ये इनकी मैं, तो अगर मान लीजिए आरएमएस वैल्यू है तो क्या करोगे? बाई टू नहीं करेंगे। तो आप बताओ अपेरेंट पावर क्या होती है? वी आरएमएस इनटू आई आरएमएस, ठीक है। तो आप बताइए, अगर मैं यहां पे इस सर्किट में अपेरेंट पावर देखूं, तो अपेरेंट पावर यहां सोर्स से कितनी अपेरेंट पावर जा रही है? तो सोर्स से जो अपेरेंट पावर जा रही है वो जा रही है वी आरएमएस, विच इज वीएम बाई रूट टू, ठीक है भाई, क्योंकि इसकी आरएमएस वैल्यू वीएम बाई रूट टू आएगी, और इस करंट की जो आरएमएस वैल्यू आएगी अगर आप निकालोगे तो वो बनेगी आईएम बाई टू, वो बनेगी आईएम बाई टू, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये जो है ये मेरी क्या आ गई? अपेरेंट पावर आ गई।
तो मुझे पता चल गया कि सोर्स से अपेरेंट पावर कितनी जा रही है और सोर्स से एक्टिव पावर कितनी जा रही है, ये पता चल गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ यहां से पावर फैक्टर क्या नजर आएगा सोर्स को, तो जो पावर फैक्टर आएगा दैट विल बी इक्वल टू एक्टिव डिवाइड बाई अपेरेंट। बिल्कुल सही है, मतलब जो अपेरेंट पावर जा रही है उसमें कितना पार्ट आपका एक्टिव है, उसका कितना हिस्सा एक्टिव है, ये मैंने थोड़ा एक्टिव डिवाइड बाय अपेरेंट लिखो भाई, एक्टिव डिवाइड बाय अपेरेंट, ये मेरा क्या होगा पावर फैक्टर हो जाएगा। ठीक है कि भाई यहां से जो टोटल अपेरेंट पावर गई है उसमें से कितना हिस्सा एक्टिव है, तो मैंने अपेरेंट ये पावर फैक्टर निकाल दिया। बिल्कुल सही है, बट अगर कोई बोले कि सर बताइए रिएक्टिव पावर क्या आएगी, रिएक्टिव पावर अगर मैं पूछूं रिएक्टिव पावर क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर रिएक्टिव पावर अगर मैं यहां से देखूं ये वाले फॉर्मूले से, जरा देखे पीछे ये वाले फॉर्मूले से, तो रिएक्टिव पावर क्या बननी चाहिए, रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू अपेरेंट पावर का स्क्वायर माइनस एक्टिव का स्क्वायर का रूट ले लो, नहीं ये बननी चाहिए रिएक्टिव पावर। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो क्या रिएक्टिव पावर यह बनेगी, रूट ऑफ जो अपेरेंट पावर हमारे पास ये आई है उसमें से माइनस कर दो जो एक्टिव पावर आई है उसका स्क्वायर, जो बाकी बच जाएगी वो रिएक्टिव पावर बच जाएगी। क्या क्या ये सही है, अगर ये रिएक्टिव पावर आएगी सुनिए तो फिर और गड़बड़ कर लोगे फिर आप एक जगह पे, क्या वो क्या गड़बड़ होगी, फिर अगर पावर फैक्टर मैं यहां से निकालूंगा ना किससे, इस रिएक्टिव पावर से, रिएक्टिव पावर से साइन फाई आ जाएगा ना, वी आई साइन फाई, उससे मेरा साइन फाई निकल सकता है, वी आई साइन फाई इक्वल टू ये होगा ना भाई, रिएक्टिव पावर क्या होती है यार, रिएक्टिव पावर होती है वी आई वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन फाई, ये होती है ना, तो यहां से साइन फाई निकाल लो और साइन फाई से फिर से कोस फाई निकाल लो, उससे फिर से पावर फैक्टर आ जाएगा। लेकिन ये जो पावर फैक्टर आएगा ये करेक्ट नहीं आएगा, फिर इतना नहीं आएगा, चेक करना ये कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। ठीक है आप पॉइंट को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, तो क्या यहां पे आप रिएक्टिव पावर इस तरह निकालोगे क्या, बोलिए क्या रिएक्टिव पावर इस तरह से निकालोगे क्या, नहीं जी ये फॉर्मूला अब यहां पे वैलिड नहीं है रिएक्टिव पावर का, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला कभी कभी था ही नहीं रिएक्टिव पावर का, सही बताओ ये तो कब तब था जब आपका प्योर साइन वेव होता है, जब ये सोर्स जो होता है और जो करंट होता है वो क्या होता है प्योर साइन वेव और सिंगल फ्रीक्वेंसी, पॉइंट को समझिए, जब फ्रीक्वेंसी यहां की भी एक ही थी और इसकी भी एक ही फ्रीक्वेंसी थी, हार्मोनिक्स नहीं होने चाहिए, उस केस में हमने डिराइव किया था ये मेरी रिएक्टिव होती है ये मेरी एक्टिव होती है ये अपेरेंट होती है और इनके बीच की जो रिलेशन बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है तो इसका मतलब ये तब एप्लीकेबल है जब वोल्टेज और करंट में क्या हो प्योर साइन वेव हो और एक ही फ्रीक्वेंसी हो। अब यहां पे जरा देखिए इस केस में अगर आप देखोगे तो जो अपेरेंट पावर आ रही है उस अपेरेंट पावर में सारे हार्मोनिक का आरएमएस यूज किया मैंने, वोल्टेज का आरएमएस ले लिया, वोल्टेज में तो खैर फंडामेंटली है, करंट में बहुत सारे हार्मोनिक और सबकी आरएमएस निकाली है मैंने यहां पे। तो इसका मतलब जो अपेरेंट पावर निकाली गई उसमें जो आरएमएस वैल्यू यूज हुई है वोल्टेज और करंट की, उस करंट वाली आरएमएस वैल्यू में सारे हार्मोनिक ने मिला के आपको आपको आरएमएस वैल्यू प्रोवाइड की है। तो इसका मतलब ये जो अपेरेंट पावर आई है ये केवल और केवल वोल्टेज के फंडामेंटल और करंट के फंडामेंटल से नहीं आई है, वोल्टेज का जरूर फंडामेंटल है इसमें बट करंट का फंडामेंटल नहीं है, करंट के अंदर तो क्या है बताओ हार्मोनिक्स है, तो इसका मतलब जो करंट की आरएमएस वैल्यू निकाली है वो उसको सारे हार्मोनिक की मिला के आई है, पॉइंट को समझिए भाई। तो इसका मतलब अपेरेंट पावर जो निकाली है उसमें सारे हार्मोनिक जुड़े हुए हैं, ठीक है, जबकि एक्टिव में केवल फंडामेंटल जुड़ा हुआ है। तो जो रिएक्टिव निकाल रहे हो वो कैसे कैसे निकाल दोगे आप, रिएक्टिव में तो क्या होना चाहिए, जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको रिएक्टिव का उसमें केवल ये जो अपेरेंट है या ये जो एक्टिव निकाली हमने ये अपेरेंट और एक्टिव सेम हार्मोनिक, मतलब वोल्टेज में जो है वही करंट में भी होना चाहिए, समझ रहे हो, तभी आपका बना है तभी आपका ये वैलिड है। तो पॉइंट को समझिए, कुछ लोग यहां से रिएक्टिव भी निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं जी रिएक्टिव यहां पे निकाल ही नहीं सकते हम लोग, रिएक्टिव डिफाइन ही नहीं है। फिर आप बोलोगे सर पावर फैक्टर के साथ तो एक्टिव भी जुड़ी होती है, पावर फैक्टर के साथ तो रिएक्टिव भी जुड़ी होती है, कुछ लोग बोलेंगे कैसे भाई, आप देख लो ना पावर फैक्टर अगर मैं निकालूं तो पावर फैक्टर क्या होता है कोस फाई, कोस फाई मेरा क्या बनेगा पावर फैक्टर, तो मैं रिएक्टिव से भी निकाल सकता हूं, रिएक्टिव भी तो पावर फैक्टर के साथ ही जुड़ी होती है। एक बार मेरे पास पावर फैक्टर आ गया उसके बाद इससे यहां से मैं साइन फाई निकाल लूंगा और वी आई साइन फाई कर दूंगा तो मेरे पास रिएक्टिव आ जाएगी। आप बोलोगे सर ये तो जुड़ा हुआ था ना, रिएक्टिव पावर तो इसके साथ जुड़ी होती है, रिएक्टिव पावर तो पावर फैक्टर के साथ कनेक्टेड होती है, समहाउ कनेक्टेड होती है जैसे तैसे करके, ऐसा नहीं है। आप एक्चुअल डेफिनेशन में आइए पावर फैक्टर की, और एक्चुअल डेफिनेशन पावर फैक्टर की क्या है जो मैंने अभी आपको बताई,
अपेरेंट पावर का कितना हिस्सा एक्टिव होता है, वो जो है वो पावर फैक्टर होता है। इसका रिएक्टिव पावर से कोई लेना देना नहीं होता। कब लेना देना होता है? जब वोल्टेज और करंट में एक फ्रीक्वेंसी टर्म हो, और वो भी दोनों सेम होनी चाहिए, सिंगल फ्रीक्वेंसी टर्म होनी चाहिए। मतलब वोल्टेज साइनसॉइड है तो करंट भी साइनसॉइड विद सेम फ्रीक्वेंसी, तभी आपका ये लेना देना बनेगा पावर फैक्टर का रिएक्टिव के साथ। अदरवाइज रिएक्टिव का कोई लेना देना ही नहीं होता। ये जो फॉर्मूला है ये केवल तब एप्लीकेबल है जब एक फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट हो वोल्टेज और करंट में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब जब भी आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप आओगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप रिएक्टिव पावर की बात ही नहीं करोगे, ठीक है? ये किसी बुक में भी नहीं है, आप देख लेना। बुक में रिएक्टिव पावर कोई पूछता ही नहीं है। कुछ लोगों ने अपने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, अपने घर के क्वेश्चन जैसे बना देते हैं ना लोग, जैसे मैं अपने क्वेश्चन बनाता हूं ऐसे ही सब लोग अपने घर के क्वेश्चन बनाते हैं, उनमें कुछ लोग रिएक्टिव पावर पूछ लेते हैं। उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। रिएक्टिव पावर आप वहां पर निकाल ही नहीं सकते हो, बिकॉज वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी फिर, ठीक है? फिर वो कई सारी चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। पॉइंट को समझिएगा, आगे जाकर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखना कई सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी इससे, अगर आप रिएक्टिव इस तरह से निकाल रहे हो तो। इसका मतलब रिएक्टिव पावर इज डिफाइंड ओनली फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी टर्म, और वो सेम होनी चाहिए वोल्टेज और करंट में, ठीक है? बोलिए भाई, ये हजम हुई क्या बात, बताइए। अब यहां पे नहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। आप बोलोगे सर इसमें दिक्कत क्या है, आप बोलोगे सर इसमें दिक्कत क्या है, रिएक्टिव पावर रात हो गई, ठीक है, हमने निकाल दी रिएक्टिव पावर। अब इस रिएक्टिव पावर से वापस क्या कीजिए, इस रिएक्टिव पावर को वी आई साइन फाई कीजिए, और फिर साइन फाई निकालिए, साइन फाई निकालिए, और फिर साइन फाई से फिर से कोस फाई निकालिए। वो कोस फाई, और ये जो कोस फाई आया है मेरे पास, ये पावर फैक्टर वाला जो कोस फाई हमने निकाला है, कहां पे निकाला, पावर फैक्टर वाला, अपेरेंट पावर ही आ गई ना, एक्टिव पावर ही आ गई। तो पावर फैक्टर कैसे निकालूंगा, इस तरीके से। ये जो पावर फैक्टर आया ये निकाल लो एक बार, और फिर एक बार रिएक्टिव पावर निकाल लो इस तरीके से, और रिएक्टिव पावर से वी आई साइन फाई निकाल लो। ये आगे आप पढ़ोगे देखना, तो मैं आपको फिर से ये लेक्चर याद दिलाऊंगा, क्योंकि ये रहेगा तब तक, ठीक है? और तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया था ये बात, ठीक है? तो यहां से रिएक्टिव पावर निकाल लो इस चीज से। ध्यान देना, इस रिएक्टिव पावर में सारे हार्मोनिक में जुड़े हुए हैं। क्यों सारे हार्मोनिक जुड़े हुए हैं? क्योंकि अपेरेंट आ गया ना, और अपेरेंट के अंदर मैंने सारे हार्मोनिक को कंसीडर कर लिया है करंट के, ठीक है? तो इसका मतलब रिएक्टिव पावर जो आ रही है वो तो सारे हार्मोनिक की वजह से आ रही है, और एक्टिव केवल फंडामेंटल की वजह से आ रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है? तो इसका मतलब है ये जो रिएक्टिव पावर आई है, इससे अगर आप साइन फाई निकाल लोगे और उस साइन फाई से वापस कोस फाई निकालोगे, वो इसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, वो बात बनेगी नहीं आपकी, ठीक है? इसका मतलब यहां पर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? यहां पर हम रिएक्टिव पावर की बात ही नहीं करेंगे ऐसे केसेस में, ठीक है? जब वोल्टेज के अंदर प्योर साइन वेव होता है, करंट के अंदर हार्मोनिक्स होते हैं, तो यहां पे हम रिएक्टिव पावर की बात नहीं करेंगे। यहां पे कोई मतलब ही नहीं बनता रिएक्टिव पावर का। रिएक्टिव पावर इज डिफाइंड ओनली फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी टर्म, ठीक है? और वो भी एक ही होनी चाहिए वोल्टेज और करंट में, ठीक है? तभी आप डिफाइन करते हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब यहां पे ऐसा केस नहीं बनेगा। तो यहां पे सिर्फ पावर फैक्टर डिफाइन होगा, बट ध्यान दीजिएगा, पावर फैक्टर का रिएक्टिव के साथ कोई लेना नहीं। पावर फैक्टर तो पावर का फैक्टर है ना यार, कि भाई जो भी टोटल अपेरेंट पावर है उसका कितना फैक्टर मेरा एक्टिव है, समझिए, ये है असली डेफिनेशन। पावर फैक्टर को आप इस तरह से नहीं लिख सकते हो, जो जैसे यहाँ पे पावर फैक्टर को हम लिखते हैं ना, ये वाले तरीके से, कोस फाई, जो साइन फाई वाले तरीके से, रिएक्टिव अपॉन अपेरेंट कर दो, पहले साइन फाई आ गया और फिर कोस फाई निकालोगे, वो तरीका जो है वो वैलिड नहीं है यहाँ पे। पॉइंट को समझिए भाई, ये आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब आपके मैं डाउट ले सकता हूँ, ठीक है, इस टॉपिक पे। चलिए नेक्स्ट, ठीक है? तो पुनीत कुमार, ठीक है, आंखें खुल गई हैं तो बहुत अच्छा भाई पुनीत, ठीक है, थैंक यू, मुबारक हो आपको, ठीक है। रिएक्टिव पावर का सर्किट क्या काम होता है, रिएक्टिव पावर का सर्किट में क्या काम होता है? रिएक्टिव पावर मेनली फ्लक्स को मेंटेन करने के काम आती है, आप ये बोल सकते हो। जैसे इंडक्टर है तो इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको मेंटेन करती है। जो कैपेसिटर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसको मेंटेन करने के काम आती है। रिएक्टिव पावर उस लिए यूज होती है, ये सर्किट में होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। आपके पास एक्टिव भी होनी चाहिए सर्किट में, रिएक्टिव भी होनी चाहिए, मतलब अगर आप नेचुरल उस भाषा में बात करें तो। बट ऐसा जरूरी नहीं है, अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो केवल एक्टिव होगी। बट प्रैक्टिकली अगर देखें, अगर मैंने जो जैसे मोदी जी वाली पावर बताई थी आपको, रिएक्टिव पावर है, मैं मोदी को जानता हूं, ठीक है, वो रिएक्टिव पावर है। और असली ताकत कौन सी है, अगर आप घर में जाके मशीन को भी बोलोगे, जो आपके चारा काटने वाली मशीन है, उसको भी अगर ये बोलोगे कि मोदी का आदमी, चलो घूमना शुरू कर दो, तो वो नहीं घूमेगी। उसके लिए आपको एक्टिव पावर चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब एक्टिव और रिएक्टिव दोनों आपके अंदर होनी चाहिए। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक्टिव और रिएक्टिव दोनों होनी चाहिए। बिकॉज अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो केवल एक्टिव लेगा, आर के अलावा एल और सी अगर आ गया तो रिएक्टिव भी फिर डिमांड होगी, ठीक है? तो ये चीज़ होती है भाई, ठीक है? के सर, जो बड़े बड़े हमारे ट्रांसमिशन लाइन्स होते हैं उसमें भी तो अनबैलेंस लोड कंडीशन में मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होते हैं, बट सर वहाँ भी तो रिएक्टिव पावर डिफाइन होता है। नहीं जी, जो आप रिएक्टिव पावर डिफाइन करते हो के वो सिर्फ फंडामेंटल टर्म के लिए डिफाइन करते हो, ठीक है?
हम हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम हार्मोनिक को एलिमिनेट करें। तो हम जब थ्योरेटिकली कनेक्ट करते हैं तो थ्योरेटिकली केवल और केवल फंडामेंटल कंपोनेंट से रिएक्टिव पावर हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसी को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो भी आपको वैल्यू दी जाती है, जो एम्पलीट्यूड हमारे पास आया, उसको हम फंडामेंटल अज्यूम कर लेते हैं और उसी से फिर हम आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो केवल फंडामेंटल अज्यूम होता है, फंडामेंटल से ही जो भी, जैसे एम्पलीट्यूड दे दिया उसको हम मान के चलते हैं कि वो फंडामेंटल है। जैसे मान लीजिए वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है। ये प्योर साइन वेव तो नहीं है, लेकिन हम इसको प्योर साइन वेव मान के कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो जो भी रिएक्टिव निकाली जाती है वो इसी तरह से निकाली जाती है, वहां पे ये चीज होती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये दो जगह दिखाई दे रहा है, एक जगह 11 और एक जगह 62 लोग हैं, पता नहीं ये क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आया भाई, लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है यार। ठीक है, कितने भी लोग हो, 11 लोग हो चाहे 62 लोग हो, कहानी तो कहानी रहेगी ना, साइंस तो साइंस रहेगा ना, वो थोड़ी ना बदलने। ठीक है, अच्छी बात है आपको समझ आ रहा। तो पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर इंक्रीज होने से क्या लॉस है और क्या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या लॉस है? सर प्लीज़ क्लियर दिस डाउट। पावर सिस्टम में अगर लैगिंग रिएक्टिव पावर इंक्रीज होगी ना, तो जो फील्ड इंजीनियर होते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, वो जनरली एक भाषा का यूज़ करते हैं। कौन सी भाषा? अगर वोल्टेज ड्रॉप हो गई है तो इसका मतलब लैगिंग लोड लगा हुआ है। तो लैगिंग लोड लगाने से बेसिकली क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज जो मेरी, जहाँ पे मेरा रिसीविंग एंड है, वहाँ की वोल्टेज डाउन चली जाती है अगर लैगिंग लोड ज़्यादा लगा हुआ है। गर्मियों में ज़्यादातर आपने देखा होगा, गर्मियों के टाइम क्या होता है, वोल्टेज बिल्कुल डाउन हो जाती है घरों की। वो इसलिए बिकॉज गर्मियों के टाइम सब लोगों के एसी चल रहे होते हैं और एसी के अंदर क्या होता है, कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर में इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर उसको घुमा रही होती है। तो बेसिकली इंडक्शन मोटर में कॉइल होती है, उसमें इंडक्टिव लोड होता है, कॉइल से इंडक्टिव लोड बन जाता है और वो लैगिंग रिएक्टिव पावर खींचता है। एक्टिव भी खींचता है बट रिएक्टिव भी खींचता है, लैगिंग रिएक्टिव पावर खींचता है। वो जो लैगिंग रिएक्टिव पावर है उसकी वजह से सप्लाई वोल्टेज डाउन हो जाती है, इसीलिए हम फिर कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, सो दैट लीडिंग रिएक्टिव पावर उसको दी जा सके और वोल्टेज को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है ना, ये आप पावर सिस्टम में पढ़ोगे दोस्तों। ठीक है, चलिए। सर अगर किसी सिस्टम में फंडामेंटल एंड थर्ड हार्मोनिक है, जो फंडामेंटल एंड थर्ड हार्मोनिक का प्रोडक्ट रिएक्टिव पावर देगा क्या? फंडामेंटल और थर्ड हार्मोनिक को मिक्स नहीं कर सकते आप। फंडामेंटल का फंडामेंटल के साथ देखिए, थर्ड का थर्ड के साथ देखिए, मतलब वोल्टेज में अगर थर्ड है तो करंट में भी थर्ड होना चाहिए, तभी रिएक्टिव बनेगी। और अगर मान लीजिए वोल्टेज में फंडामेंटल है, करंट में थर्ड है, तो नहीं नहीं उस केस में रिएक्टिव नहीं देखेंगे फिर। ठीक है भाई, ये चीज़ मैंने बताया ना, जो भी चीज़ होती है वो केवल और केवल अगर वोल्टेज में फंडामेंटल है तो करंट में भी उसी फ्रीक्वेंसी के टर्म होनी चाहिए, उसके लिए डिफाइन है। और जो ये फॉर्मूले डिफाइन है वो एक्टिव रिएक्टिव का, ये प्योर साइनसॉइड के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सर रेक्टिफायर में ओनली रजिस्टिव लोड रहा तो वहाँ रिएक्टिव पावर तो डिफाइन होता है, तो रिएक्टिव पावर का वहाँ क्या यूज? बिल्कुल सही डाउट है, ये बहुत अच्छा है। आप कह रहे हो कि रिएक्टिव पावर, जरा देखो रिएक्टिव पावर क्या करती है, फ्लक्स मेंटेन करने काम आती है, मैंने यही बताया। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एक्टिव तो समझ आएगा कि रजिस्टर ने ले ली, जो रिएक्टिव है उसका क्या काम है? मैंने कहाँ निकलवाया रिएक्टिव, मैंने क्या बोला आपको? मैं यही तो बोल रहा हूँ कि रिएक्टिव पावर का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है भाई। ठीक है, पॉइंट को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, रिएक्टिव पावर का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है भाई। आपका डाउट वैसे बहुत अच्छा था। ठीक है, ओके, लोकेश गर्ग ने पूछा था ये, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास लाइव स्टार्ट? नहीं जी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास अभी लाइव मैंने नहीं स्टार्ट की है, ये एक जस्ट एक टॉपिक था, मुझे लगा आपने एसी एनालिसिस में पावर पढ़ लिया होगा, तो मैं चाह रहा था इस पावर को थोड़ा और अच्छे से आप पढ़ें, उसको और डेप्थ में लेके जाएं, सो दैट आपको आगे दिक्कत ना आए। इसको समझिएगा कि ये जो फॉर्मूले बने हैं ये किसके लिए डिफाइन हुए हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान दीजिएगा। अगर हार्मोनिक्स आ गए तो रिएक्टिव का कोई मतलब नहीं बनता, एक्टिव पावर फैक्टर का तब भी मतलब बनता है, बिकॉज पावर फैक्टर तो पावर का फैक्टर है ना दोस्तों, पॉइंट को समझिए, वो चीज़ अलग है, उसको आप अलग रखिए। सर इनपुट पावर फैक्टर और फंडामेंटल पावर फैक्टर में क्या फ़र्क होता है? ये फंडामेंटल पावर फैक्टर का और इनपुट पावर फैक्टर का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, ये आपने अपनी खुद की टर्म बना ली है। ठीक है, तो इनको मत आप समझिएगा। ठीक है, इनका कोई वो नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए। सर इनपुट पावर फैक्टर और फंडामेंटल पावर फैक्टर, फंडामेंटल पावर फैक्टर नहीं होता है भाई, मैं आपको ये बार बार आप लिख रहे हो, ये फंडामेंटल पावर फैक्टर जनरली अगर कोई डिफाइन करेगा तो बस ये बोलेगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये वोल्टेज में फंडामेंटल है और करंट में भी फंडामेंटल है, तो उनके बीच का आप देख लो वो फंडामेंटल पावर फैक्टर हो गया। और इनपुट पावर फैक्टर में जो ये जो हमने बताया कि भाई इनपुट पावर फैक्टर ऐसे देख लो एक्टिव डिवाइड बाय अपेरेंट, वो बस वो तुक्का मार रहा है और कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब फालतू बात होती है। ठीक है, तो ऐसे खुद की टर्म मत बनाइए। ठीक है, इनका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, लीडिंग पावर का यूज़ क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर का यूज़ क्या होता है? लीडिंग पावर फैक्टर बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, जैसे लैगिंग जरूरी है वैसे लीडिंग जरूरी है। लीडिंग बेसिकली लैगिंग को कट करने के लिए वापस उसका एक एंटीडोट होता है, बस एंटीडोट समझते हो। ठीक है,
उसको काटने के लिए, अगर लैगिंग ज़्यादा लेते जाओगे तो वोल्टेज डाउन हो जाएगी रिसीविंग एंड पे, तो उसको रोकने के लिए हम फिर लीडिंग यूज़ करते हैं फिर, ठीक है। तो वो आगे आप समझोगे, ठीक है ना। चलिए भाई, चलिए सर, ऐसा सुना है कि रेक्टिफायर वाला सर्किट हार्मोनिक रिड्यूस करता है पावर सिस्टम में। रेक्टिफायर वाला सर्किट बिल्कुल करता है, मैं आपको बताऊँ। एक होता है एक्टिव पावर रेक्टिफायर, ठीक है, या यूनिटी पावर फैक्टर रेक्टिफायर। यूनिटी पावर फैक्टर रेक्टिफायर ये हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया है, ठीक है, यूनिटी पावर, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए हुए हैं एक दो बार प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो यूनिटी पावर फैक्टर रेक्टिफायर वो बहुत अच्छा होता है, और उससे हम बेसिकली हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि देखो ना आप करंट में हार्मोनिक्स आ रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं सिंपल डायोड लगा दूँ तो यहाँ पे करंट में हार्मोनिक, और ये एक अच्छी बात नहीं है। ये हार्मोनिक फिर सोर्स जो है उसके अंदर से भी आएंगे, और जो पीछे लाइन लगी होगी, जो सप्लाई जहाँ से आ रही है, भाखड़ा से आ रही है मान लीजिए चंडीगढ़ में, तो भाखड़ा से लेके और चंडीगढ़ तक पूरी लाइन के अंदर हार्मोनिक्स ट्रेवल करते रहेंगे, तो इस वो अच्छी बात नहीं है, उससे लॉसेज एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएंगे, उनको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो रेक्टिफायर बनाते हैं वो यूनिटी पावर फैक्टर रेक्टिफायर बनाते हैं या एक्टिव पावर रेक्टिफायर बनाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप खैर समझोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए सर, कंपनी को यूनिटी पावर फैक्टर पर फाइन क्यों देना पड़ता है? यूनिटी पावर फैक्टर पर तो नहीं देना पड़ेगा भाई, यूनिटी पावर फैक्टर पर क्यों, यूनिटी पावर फैक्टर पे तो नहीं देना पड़ेगा। यूनिटी पावर फैक्टर तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, ये तो ऐसा तो नहीं मैंने सुना है भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सर, इफ़ बोथ वोल्टेज एंड करंट आर स्क्वायर वेव देन हाउ टू फाइंड पावर फैक्टर। वोल्टेज एंड करंट अगर दोनों स्क्वायर वेव हैं तो पावर फैक्टर कैसे निकालोगे? जरा देखिए, डिपेंड करेगा कि वोल्टेज और करंट किस तरह के स्क्वायर वेव है। मतलब ये एक तो वोल्टेज का इस तरह का स्क्वायर वेव है मान लीजिए वोल्टेज में, और करंट में जो स्क्वायर वेव है वो थोड़ा सा इससे हटके है, मतलब इस तरह का करंट का स्क्वायर वेव, वो डिपेंड करेगा, ठीक है, किस तरह का स्क्वायर वेव है। एग्जैक्टली आपने नहीं लिखा, तो मान लीजिए करंट में इस तरह का स्क्वायर वेव है, तो बेसिकली क्या होगा, एक्टिव पावर तो बहुत आसान है या पावर फैक्टर तो बहुत आसान है। कैसे? इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल लो, करंट की आरएमएस वैल्यू निकाल लो, वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस कर दो, अपेरेंट पावर आ जाएगी। अपेरेंट पावर आ गई, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे एक्टिव पावर। और एक्टिव पावर कैसे निकालोगे? अब करंट और वोल्टेज दोनों के अंदर हार्मोनिक्स हैं, वोल्टेज के अंदर भी हार्मोनिक्स आएंगे, करंट के अंदर भी हार्मोनिक्स आएंगे, तो इसका मतलब एक्टिव पावर कैसे निकालोगे? ये है ना पार्सिवल बता के गया हमें, अगर वोल्टेज के अंदर भी हार्मोनिक्स हैं, करंट के अंदर भी हार्मोनिक्स हैं, तो आप उनके कंपोनेंट निकाल लो और एक्टिव पावर वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ये एक्टिव पावर आ जाएगी। तो अगर मेरे पास एक्टिव पावर आ गई और अपेरेंट पावर आ गई, तो एक्टिव डिवाइड बाय अपेरेंट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, पावर फैक्टर, ठीक है ना। लेकिन रिएक्टिव इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे फिर, अपेरेंट का स्क्वायर माइनस एक्टिव का स्क्वायर इक्वल टू रिएक्टिव, ठीक है, उसका रूट लेके वो इस तरह से नहीं डिफाइन होगा, ये ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, लैगिंग को भी एज ए एंटीडोट की इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर भी अच्छी बात नहीं है, लीडिंग पावर फैक्टर भी अच्छी बात नहीं है, दोनों ही नुकसानदायक है। आपने वीडियो में पढ़ा होगा, जब मैंने पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पढ़ाया है, नेटवर्क के वीडियोज में ही पढ़ाया है, तो वहां पे मैंने ये चीज समझाई है कि ना ही लैगिंग अच्छा है ना ही लीडिंग अच्छा है, दोनों केस में आपका नुकसान होता है। तो इसलिए लीडिंग अगर ज़्यादा पावर फैक्टर हो रहा है तो उसका एंटीडोट है लैगिंग, और लैगिंग अगर है तो उसका एंटीडोट है लीडिंग, ठीक है ना। वैसे कोरोना का एंटीडोट नहीं मिला अभी तक, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, सर टाइप ऑफ लोड रिक्वायर्ड लीडिंग पावर फैक्टर, विच टाइप ऑफ लोड रिक्वायर्ड? कैपेसिटिव लोड भाई, कैपेसिटिव लोड जो होते हैं वो लीडिंग पावर फैक्टर है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, ठीक है सर। रेक्टिफायर में रजिस्टिव लोड में एफिशिएंसी 100% तो होती नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ लॉस हुआ है, तो वहाँ लॉस हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टिफायर में जो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी होती है लोकेश गर्ग, वो पावर से नहीं निकाली जाती है। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी का मतलब होता है जो टोटल पावर यहाँ पे आई है, जरा देखिए रेक्टिफायर में बेसिकली क्या होता है, जो टोटल पावर इसको रिसीव हुई है उसमें से डीसी कंपोनेंट की वजह से कितनी पावर आई है, क्योंकि रेक्टिफायर का जो असली काम होता है वो रेक्टिफिकेशन करना, मतलब डीसी कंपोनेंट बनाना होता है। बट यहाँ पे डीसी कंपोनेंट प्योरली डीसी कंपोनेंट नहीं बनेगा, यहाँ पे हार्मोनिक्स भी आएंगे और उनकी वजह से भी यहाँ पे पावर मिलेगी इसको। पॉइंट को समझिए, करंट के अंदर हार्मोनिक्स है और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा उसके अंदर भी हार्मोनिक्स है। देखो वोल्टेज और करंट इस तरह का आएगा, वोल्टेज इस तरह का, करंट का इस तरह का, तो इसका मतलब वोल्टेज के अंदर भी हार्मोनिक है, करंट के अंदर भी हार्मोनिक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसको पावर मिलेगी वो हर एक हार्मोनिक की वजह से मिलेगी। तो हमें क्या करनी होती है, जो टोटल पावर इसको मिली है वो, और जो केवल डीसी कंपोनेंट की वजह से जो पावर मिली है वो,
वो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी होती है, दोनों में फर्क है। वो लॉस का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जहां से ये जितनी एक्टिव पावर देगा उतनी एक्टिव पावर इसको मिलेगी, कोई लॉस नहीं हुआ है, आइडियल है, ठीक है। तो उसमें लॉस नहीं देखते हैं, ठीक है ना। उसमें रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी एक अलग चीज है अभी, ठीक है। सर यू मीन टू से रिएक्टिव पावर इज ओनली डिफाइंड टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड फाइनली? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं फील्ड लाइंस, फ्लक्स लाइंस, दैट कैन बी मैग्नेटिक और दैट कैन बी इलेक्ट्रिक, ठीक है। उसको मेंटेन करने के लिए रिएक्टिव पावर आपका काम करती है, ठीक है भाई। ये चीज है। एसी फैन लैगिंग लोड देते हैं, लीडिंग लोड का एग्जांपल क्या है? एसी फैन लैगिंग लोड लेता है बिकॉज उसमें क्वाइल लगी होती है। लीडिंग लोड का एग्जांपल आप कैपेसिटर ले लो, सिंगल एक कैपेसिटर, ठीक है, वो एक लीडिंग लोड है, ठीक है। आरसी लोड, बल्ब के सीरीज में सी लगा दो, बल्ब के पैरेलल में सी लगा दो, वो लीडिंग लोड बन जाएगा, सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है भाई, ठीक है। सर लोड हमेशा लैगिंग क्यों होता है? किसने बोला मैंक लोड हमेशा लैगिंग नहीं होता है? लोड हमेशा लैगिंग बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे टाइम लोड आपका लैगिंग भी होता है, बहुत सारे टाइम लीडिंग भी होता है, ज़्यादातर केसेस में लैगिंग होता है, ठीक है। जो घरों में हम जितने भी लोड यूज़ करते हैं ज़्यादातर लैगिंग होते हैं, वो इसलिए बिकॉज उनमें इंडक्टर लगे होते हैं। जैसे अगर आप फैन की बात करेंगे तो फैन के अंदर इंडक्टर लगे होते हैं, और इंडक्टर लगे हैं तो फिर क्या होगा बताओ, उसकी वजह से क्या बन जाता है? वो लैगिंग बन जाता है, ठीक है। वो लैगिंग फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेता है और वो उसकी वजह से लैगिंग लोड, वो लैगिंग करंट लेता है, फिर करंट लैग करता है वोल्टेज से। तो ज़्यादातर जितने भी लोड होते हैं घरों में, फैन ले लीजिए आपका, किचन में जो 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 आपके वो होते हैं, एसी ले लीजिए आपके, कंप्रेसर जो होते हैं उनके अंदर, फ्रिज ले लीजिए, फ्रिज में भी कंप्रेसर होता है, उसके अंदर भी आपका मोटर लगी होती है तो उसमें भी क्वाइल लगी होती है, तो उसकी वजह से लैगिंग लोड आपका बन जाते हैं। तो ज़्यादातर लोड घरों के अंदर ज़्यादातर लैगिंग लोड होते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोड को ज़्यादातर लैगिंग बोलते हैं, बट इट डजेंट मीन कि ऑलवेज लैगिंग हुआ, बहुत सारे लोड लीडिंग भी होते हैं। कैपेसिटिव लोड आप लगाओ, ठीक है, तो आप लीडिंग भी बना सकते हो। इवन आप पूरे घर का जो ओवरऑल लोड है उसको आप लीडिंग बना सकते हो। आप बस घर के बाहर अपना जो मीटर वाला पॉइंट होता है उसके जस्ट अंदर, मीटर के जस्ट अंदर आप कैपेसिटिव बैंक लगा दो और आपके लोड को कैपेसिटिव बना दो, पूरे घर को कैपेसिटिव बैंक पैरेलल में लगा के आप लोड को कैपेसिटिव बना सकते हो। ये आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है ये सब चीज़ें नेटवर्क थ्योरी की क्लास में, आप उनको देखिएगा, ठीक है। सर संट रिएक्टर संट कैपेसिटर सीरीज कैपेसिटर यूज इन ट्रांसमिशन लाइन? हाँ, ये सब यूज होता है। रामशरण ने मुझसे पूछा, रामशरण सिंह, और इसका हमने इफेक्ट पढ़ाया पावर सिस्टम में, और वो वीडियो ओपन है, आप देखिएगा। जब मैंने लोड फ्लो स्टडीज पढ़ाया उसी में मैंने कंपनसेशन पढ़ाया, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, तो सीरीज कंपनसेशन, संट कंपनसेशन, ये सब बताया है और उसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है, बट मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत लंबा चला जाएगा। मिथिलेश जोशी ने पूछा है, सर आपके क्वेश्चंस में अगर एक्टिव पावर लेवल फंडामेंटल्स से मिल रहा है तो फिर डीसी पावर तो जीरो हो जाएगा फॉर रेक्टिफिकेशन से क्या मतलब है? मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो मिथिलेश। सर आपके क्वेश्चंस में अगर एक्टिव पावर केवल फंडामेंटल से मिल रहा है तो फिर डीसी पावर तो जीरो हो जाएगा फॉर रेक्टिफिकेशन? नहीं नहीं नहीं, एक्टिव पावर किससे मिलता है आप जरा देखो, समझे नहीं आप पार्सेवल को। वोल्टेज के अंदर अगर डीसी है तो करंट के अंदर भी डीसी होगा, तब वो एक्टिव पावर में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब एक्टिव पावर केवल फंडामेंटल से थोड़े ना मिल रहे हैं, केवल फंडामेंटल से थोड़े ना मिल रहे हैं, सेकंड हार्मोनिक से भी मिल रहा है, डीसी से भी मिल रहा है, सबकी वजह से एक्टिव पावर मिल रहा है। किसको? जो यहाँ पे लोड लगा हुआ है, जो यहाँ पे लोड लगा हुआ है, क्योंकि के अंदर भी डीसी है तो वो भी पावर में पार्टिसिपेट करेगा। जो इसके अंदर जो फंडामेंटल टर्म होगी और इसके अंदर जो फंडामेंटल होगी वो भी पावर में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पावर मिलने वाली है वो सबकी वजह से इसको मिलने वाली है। तो फिर रेक्टिफायर एफिशिएंसी क्या होती है या रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या होती है? इसको जो केवल डीसी कंपोनेंट से पावर मिल रही है वो कितनी मिल रही है? वो डिवाइड बाय टोटल जो पावर मिल रही है वो मतलब जो टोटल पावर मिल रही है उसमें कितना हिस्सा केवल प्योर डीसी से मिल रहा है, वो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी को मैं बोल रहा हूं, ठीक है। पॉइंट को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए सर, सिंक्रोनस मोटर इन ओवर एक्साइटेड स्टेट? हाँ, सिंक्रोनस मोटर इन ओवर एक्साइटेड स्टेट, सही बोला आपने, वो आपका लीडिंग पावर फैक्टर की तरह काम करेगी, ठीक है, जो कैपेसिटिव लोड है उसकी तरह काम करेगी ओवर एक्साइटेड केस में। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने सिंक्रोनस मोटर नहीं पढ़ी होगी, कोई बात नहीं। सर हाफ वेव रेक्टिफायर में पावर फैक्टर लैगिंग क्यों होता है? ये अनमोल शर्मा ने बोला है। हाँ, जनरली हम इसको लैगिंग लिख देते हैं, तो हमारा जो हम जो ये केस लेते हैं ये हम लैगिंग लिख देते हैं। इसका एक रीज़न है, इसका रीज़न ये नहीं है रिएक्टिव पावर से, इसका रीज़न है वोल्टेज का अंदर जो फंडामेंटल कंपोनेंट आया वो देखिए, और करंट का जो फंडामेंटल कंपोनेंट आएगा वो देखिएगा, उनमें फेज डिफरेंस निकालना, वहाँ से आप बोल पाओगे इसको लैगिंग या लीडिंग, ठीक है, फंडामेंटल से, करंट के फंडामेंटल से, ना कि यहाँ से। रिएक्टिव पावर तो डिफाइन ही नहीं है उसके लिए, ठीक है। लैगिंग क्यों बोलते हैं ये मैंने बताया आपको,
इसका फंडामेंटल से देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है वोल्टेज से, उसी से हम उसको फिर लैगिंग लीडिंग बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ जी आगे बढ़ते हैं सर। हाफ ईयर रेक्टिफायर में पावर फैक्टर, ओके अनमोल शर्मा मुझे लगता है आपको मिल गया होगा आंसर, ठीक है। प्रेक्सी ने बोला है सर अगर सर्किट में डायोड और इंडक्टर या कैपेसिटर दोनों हैं फिर रिएक्टिव पावर डिफाइन होगा या नहीं, अगर होगा तो कैसे डिफाइन होगा। हाँ उस केस में डिफाइन होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हैं तो उनका आप इक्वलेंट देख लो, कौन सा ज़्यादा अफेक्टिव, मतलब कैपेसिटर की लीडिंग रिएक्टिव पावर आएगी और इंडक्टर लैगिंग रिएक्टिव पावर लेगा, तो दोनों को फिर आप ऐड कर दो, सुपरपोज कर दो। ये आपने एसी सर्किट्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िए, ये मैंने सर्किट थ्योरी में सारा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मैंने पूरा बताया है सर्किट थ्योरी में कि कौन कैसे हम एक्टिव रिएक्टिव निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए सर देखो ना डाउट, मैंने देख लिया प्रेक्सी, बता दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं सर। सर डायोड के साथ, ओके डायोड के साथ इंडक्टर या कैपेसिटर दोनों है तो फिर रिएक्टिव पावर डिफाइन होगा या नहीं, ओके। हाँ जी अब ये कह रहे हैं कि अगर डायोड के साथ अगर मैं ले लूँ और यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर वगैरह ले लूँ तब रिएक्टिव पावर डिफाइन होगा। उस केस में सही बताऊँ तो हाँ कुछ पावर ऐसी होगी जो कंज्यूम नहीं होती है, ठीक है, कुछ पावर ऐसी जरूर होगी, बट उसको फिर मैं रिएक्टिव पावर की तरह डिफाइन नहीं कर, मतलब होगी सही बताऊँ तो, बट उसको मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता बिकॉज ये कोई मेथड नहीं है इस तरह से कैलकुलेट करने का, यहाँ से वो निकल के नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वो फिर प्योर एसी के लिए डिफाइन होती है और रेक्टिफाई होने के बाद प्योर एसी बचता ही नहीं है इधर, ठीक है। तो अगर कैपेसिटर या इंडक्टर इधर लगे भी हुए हैं तो आप कह सकते हो कि भाई कुछ तो फ्लक्स मेंटेन करेंगे ना उससे। आप सोचिए एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, डीसी बैटरी है, जब आपका घर में बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर सप्लाई करता है ना, इन्वर्टर पावर सप्लाई करता है, अब उस इन्वर्टर से जो पावर आ रही है वो फैन को भी मिल रही है, बट जो फैन है वो तो एक्टिव और रिएक्टिव दोनों ले रहा है, तो क्या डीसी बैटरी रिएक्टिव पावर भी दे रही है क्या? नहीं जी, क्योंकि डीसी बैटरी से केवल डीसी करंट ही जा रहा है। भाई जब बैटरी के अंदर केवल डीसी कंपोनेंट है तो पावर किससे जाएगी? केवल पावर केवल डीसी कंपोनेंट से ही जाएगी करंट के, तो इसका मतलब वो तो केवल एक्टिव पावर दे रहा है वी नोट इनटू आई नोट, लेकिन जो फैन उससे चल रहा है, जो इन्वर्टर ने कमाल किया, इन्वर्टर ने उसको एसी में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद जो फैन चल रहा है उस फैन में तो एक्टिव और रिएक्टिव दोनों है, तो इसका मतलब वो रिएक्टिव कहां से आई, जरा सोचिए और इसका मुझे आंसर कीजिएगा। सेम अफेक्ट आप यहां पे भी लोड में बोल सकते हो, तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंफ्यूज करेंगे आपको, लेकिन इसका जरा आंसर ढूंढिएगा आप, ठीक है। मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगा कि एक्टिव वो जो रिएक्टिव पावर होती है वो कैसे कन्वर्ट हो जाती है, वो एक्टिव पावर बेसिकली रिएक्टिव बनती है, वो बाद में वो कन्वर्जन का केस आ जाता है, कई सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, वो करंट के फंडामेंटल से बोलेंगे, मैं समझा नहीं क्या कर रहे हो सर। कैन वी ज्वाइन टू सिस्टम विद 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, सोर्सेज सुपरपोज कर दो, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है दो अलग अलग 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ को, बट उसमें फिर हार्मोनिक्स क्रिएट हो जाएंगे और उसका बड़ा तगड़े वाला नुकसान है, ठीक है। जरा देखिए मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है और मैंने क्या किया, एक सोर्स इधर लगा दिया, एक सोर्स इधर लगा दिया, ये है 220 वोल्ट या 200 वोल्ट मान लो 50 हर्ट्ज़, और ये है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज़। अब बहुत डेंजरस सिचुएशन है, इसमें बड़ा खासा लॉस होगा, तगड़े वाला लॉस होगा, ठीक है, बिकॉज इसमें जो करंट आएंगे IT वो दोनों सोर्स की वजह से आएगा, I1T + I2T दोनों सोर्सेज की वजह से करंट आएगा, और जो पावर लॉस होगा वो होगा ITRMS का स्क्वायर इंटू R। ऐसा एक सर्किट मैंने करवाया आपको, मैं बताता हूँ कहाँ पर करवाया मैंने, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई मेरे पास एक बैटरी है, बैटरी को आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हो R और V नोट में, उसको अगर मैं डायरेक्ट AC से कनेक्ट कर दूं तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी ना, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0 और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए होगी 50 हर्ट्ज़। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया हुआ आपको, नेटवर्क थ्योरी में ही करवाया, ठीक है, और ये इतनी डेंजरस सिचुएशन है, बैटरी को आग लग जाएगी, इवन बैटरी को शॉर्ट कर दो वो भी इससे बेहतर कंडीशन है, अगर शॉर्ट कर दोगे तब भी वो भी इस कंडीशन से तो अच्छी है, लेकिन ये तो और वर्स्ट केस है, इसमें तो और आग लग जाएगी, और ये मैंने पूरी तरह प्रूव कराया है, ठीक है, कि भाई कैसे क्यों इसमें आग लग जाएगी, ये बड़ा खतरनाक केस है, ठीक है। तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का अगर आप ऐसे लगा रहे हो ये बड़ी डेंजरस है, क्योंकि ये मर्ज नहीं होंगे करंट। सोचिए अगर ये भी 50 का होता और ये भी ये 250 का होता और ये एक दूसरे के ओपोजिंग नेचर के होते तो नेट करंट कम हो जाता, क्योंकि टोटल वोल्टेज लूप में कम हो जाती 200 माइनस 100, बट अगर ये 60 का होगा
तो अब नहीं होगा माइनस, ठीक है। अब ये अपना करंट देगा, ये अपना करंट देगा, नेट करंट मर्ज नहीं होंगे, नेट करंट की एक नई आरएमएस आएगी और नई आरएमएस का स्क्वायर इनटू आर बनेगा। इसका मतलब हर कंपोनेंट इसमें पावर देगा और वो पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर ऐसा केस डेंजरस होता है दोस्तों, ठीक है, ये केस बहुत खतरनाक होता है भाई, ठीक है ना। तो उन्होंने पूछा कि सर कैन वी ज्वाइन टू सिस्टम विद 50 एंड 60 हर्ट्ज, ये खतरनाक है, डेंजरस सिचुएशन है। बैटरी को कभी भी एसी सप्लाई मत दे देना डायरेक्टली, बैटरी चार्ज करने के लिए आप करते हो ना तो उसको डीसी सप्लाई दी जाती है, एसी नहीं दी जाती। एसी दे दोगे तो बहुत ज़्यादा बैटरी को शॉर्ट करोगे, उससे भी डेंजरस सिचुएशन है एसी देना, ठीक है। तो ये डेंजरस है भाई, ये मैंने प्रूव करवाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर मैं डाउट पोस्ट किया था आप पे, मुझे पता नहीं भाई आकाश क्या डाउट पोस्ट किया है, ठीक है सर। ओके सर, नाउ गोट इट कि इनपुट पावर का सिग्निफिकेंस क्या है एंड पावर फैक्टर का क्या है। आप पॉइंट को समझिए कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर का मतलब रिएक्टिव से नहीं होता है, पावर फैक्टर का मतलब होता है जो टोटल अपेरेंट पावर है उसका कितना हिस्सा एक्टिव है भाई, ठीक है। सर कैपेसिटर डीसी सोर्स से चार्ज होने के बाद जब डिस्चार्ज होगा तो क्या वो रिएक्टिव पावर देगा या एक्टिव पावर देगा। मैं आपको बता दूं लव वर्मा, आप शायद मेरी बात सुन नहीं रहे हो, मैंने बोला कैपेसिटर जब एसी सर्किट्स में लगा होगा तभी उसमें एक्टिव या रिएक्टिव डिफाइन होगी। अब अगर कैपेसिटर को चार्ज करके आप कहीं पर ला रहे हो तो उसमें रिएक्टिव एक्टिव का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, बिकॉज वो एसी पे नहीं लगा हुआ है अभी, वो अभी वो निकल गया है, आप समझिए मेरा पॉइंट। तो उसमें एक्टिव रिएक्टिव का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है ना। आप पॉइंट को समझिए, एक्टिव रिएक्टिव केवल तब बनता है जब सर्किट के अंदर प्योर साइनसॉइड कंपोनेंट करंट के फ्लो कर रहे हो। अगर कैपेसिटर को चार्ज करके आप बाहर ले आओगे और आप बोलोगे सर देखो इसके अंदर रिएक्टिव पावर है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ठीक है। रिएक्टिव उसके लिए थोड़ी ना डिफाइन होगी, उस केस में नहीं डिफाइन होगी, पॉइंट को समझिए, ठीक है ना। चलिए सर आज वहाँ का डाउट नहीं लोगे क्या आकाश? हाँ आकाश, डाउट वहाँ के बहुत कम थे, तीन चार क्वेश्चन थे, तो वो तीन चार क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, तो मैं उनको नेक्स्ट सेशन में डाल लूँगा। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आपने पोस्ट नहीं किए, मुझे लग रहा है आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है। मुझे दो केस हो सकते हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है तो आप डाउट पोस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो अपना डाउट सेशन है, डाउट पोर्टल है जो अपना मोबाइल ऐप पे, या फिर आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, दो ही केस हो सकते हैं। तो इसलिए भाई आप डाउट पोस्ट करें सो दैट एटलीस्ट 10-15 डाउट आ जाए मेरे पास तो मैं उनको डिस्कस करूँ। मुझे डाउट बहुत कम लग रहे थे इसीलिए मैंने लास्ट मोमेंट पे, आपने देखा होगा पहले तो मैंने डाउट सेशन ही रखा हुआ था, लास्ट मोमेंट पे मैंने इसको पावर से रिलेटेड टॉपिक बना दिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, सोलर से जो पावर मिलता है वो तो केवल एक्टिव पावर ही रहेगा, फिर उस पर लैगिंग लोड कैसे काम करते हैं? ये मिथिलेश जोशी तुमने मेरा ही क्वेश्चन मेरे पे ही डाल दिया, इन्वर्टर वाला। नहीं, मैंने बोला इन्वर्टर के पीछे बैटरी लगी होती है, बैटरी से तो केवल कौन सी जाएगी बताओ, बैटरी से जो पावर जाएगी वो तो एक्टिव पावर जाएगी, और आगे जाके फैन में क्या हो जाती है, एक्टिव और रिएक्टिव दोनों में कन्वर्ट हो जाती है। मेरा ही क्वेश्चन मुझ पर ही फेंक रहे हो, ये आपका होमवर्क दिया है मैंने आपको, सोचिए इसके ऊपर, बिकॉज इंपॉर्टेंट आंसर नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है थॉट प्रोसेस। मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट आंसर नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है थॉट प्रोसेस, क्या किस तरीके से आप सोच रहे हो, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आंसर के पीछे मत दौड़िए, सोचने के पीछे दौड़िए, दिमाग लगाइए, ठीक है ना। मतलब रिजल्ट आना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, पढ़ना और वो जो प्रोसेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम सेंड करते हैं, कीजिएगा मिथिलेश। मेरे ख्याल से तीन चार डाउट आए थे बट मैं चाह रहा हूँ कि एक बार सारे आ जाए तो तीन चार को उनको इकट्ठा ही ले लूँगा। सर डीपीपी सोल नहीं कराई इसलिए डाउट नहीं बने। डीपीपी सोल मैंने प्रीमियर लगा दी है, मेरे ख्याल से कल की डीपीपी प्रीमियर हो रही है, आज की डीपीपी आज को आपको रात तक शेयर हो जाएगी। वो दो दिन का मेरा गैप आ गया, वो इसलिए गैप आया, वो जो डीपीपी का वीडियो था वो थोड़ा सा खराब हो गया था, उसको फिर से हमने रिकॉर्ड किया है और उसको फिर से हमने डाला है, ठीक है ना। सर नेगेटिव पावर फैक्टर पॉसिबल? नेगेटिव पावर फैक्टर पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अगर नेगेटिव पावर फैक्टर हो जाएगा तो आपको नोबेल मिल जाएगा, ठीक है, आप प्रूव कर दीजिए नेगेटिव पावर फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है ना। नेगेटिव पावर फैक्टर का मतलब नहीं है भाई, मतलब आपकी जो टोटल अपेरेंट जा रही है उसका कितना हिस्सा वापस आ रहा है, मतलब वो तो अजीब सी बात हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर कहाँ तक पढ़ने हैं? हाँ ये मैं बता देता हूँ भाई, नेक्स्ट लेक्चर ज़रा देखिए, नेटवर्क थ्योरी में आप पहले बताइए मुझे नेटवर्क में कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था आपने और EMFT में कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, सो देट मैं आपको होमवर्क दे सकूँ। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा भाई, थोड़ा सा मैं अब बढ़ाऊँगा, आप जरा सोचिए, मैं जब मेरी ऑफलाइन क्लास होती है तो वीकेंड पे मैं 8-8 घंटे की क्लास होती है तो 16 घंटे में कवर करता हूँ। तो एटलीस्ट आप ये कीजिए कि वीक डेज में, मतलब जितना भी हमारे पास स्पैन होता है 7 डेज का, एटलीस्ट हर सब्जेक्ट पे 16 घंटे तो कवर हो ना, ठीक है, या सारे मिला के 16 घंटे तो कवर होने चाहिए ना, तो इसलिए आपको उतना तो टाइम करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। सर डाउट कहाँ डालूँ? प्रशांत विश्वास ने बोला है, हमारी मोबाइल ऐप है वहाँ पर हमने एक ग्रुप बना रखा है,
डाउट सॉल्विंग पोर्टल, ठीक है, वहाँ पे फोटो लेके डाउट पोस्ट कर दीजिएगा, मुझे वो मिल जाता है, मैं हर डाउट को देखता हूँ भाई, और जो आप वहाँ पे डिस्कशन करते हो वो भी मैं पढ़ता हूँ हर किसी का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोई गलत डिस्कशन चल रहा है तो मैं उसको फिर ले लेता हूँ, मैं उसको फिर सोल्व करवाता हूँ, सो देर आपका रेक्टिफिकेशन हो सके, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, नेटवर्क 42 EMFT 30, ठीक है, इसका मतलब नेटवर्क में हम प्राइवेट सेक्शन में पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो नेटवर्क में आप जरा देखिए, अभी अगला जो है वो फ्राइडे को हमारा सेशन है, तो 3 दिन है हमारे पास, तो नेक्स्ट 6 लेक्चर 48 लेक्चर तक करना है अभी, नेटवर्क 48 लेक्चर तक करना है, ठीक है। और EMFT जो है, EMFT आपने बताया फील्ड 30 या तो 33 तक कर लीजिए, 33 लेक्चर तक आपको EMFT करना है, हम चाह रहे हैं फटाफट ये ख़त्म हो गई, ठीक है ना, काफ़ी दिन हो गए हैं इसको ख़त्म करना है आप मुँह में, तो थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो आप जल्दी तैयार हो जाओ भाई, फटाफट इसको कवर कर लो, ठीक है। मार्च एंडिंग नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा ना सर, मार्च एंडिंग तक तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, मार्च एंडिंग तक तो ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एनालॉग लिया जाए या और एक सिग्नल लिया जाए, कुछ इस तरह के सर्किट हम लेके चलेंगे, और उसकी DPP भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, DPP भी साथ के साथ ख़त्म हो जाएंगी। एक DPP का कोर्स भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्दी, आप देखेगा, जो लोगों ने कोर्स नहीं परचेज किया है और केवल DPP वाला कोर्स लेना चाहते हैं, तो वो भी हम मिनिमल कॉस्ट पर आपको लेके आ रहे हैं, 1-2 दिन 4 दिन में हम लोग उसको भी अनाउंस कर देंगे दोस्तों, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा। तो और थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, योयो ने बोला है कि सर थोड़ा फास्ट चलिए, फास्ट चलेंगे भाई, थोड़ा वो चलेंगे सर, बार के एग्जाम है, कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज करो भाई, बार का एग्जाम है तब भी इसको थोड़ा मैनेज करो, इसको लेके आओ भाई, ठीक है ना। सर रेक्टिफायर में Pin इक्वल टू Pout वैलिड होता है क्या? बिल्कुल होता है, एक्टिव पावर जितनी आपकी सोर्स से जाएगी उतनी ही आपके लोड को मिलेगी, यहाँ पे एक्टिव पावर बराबर होगी, ठीक है ना, तो एक्टिव पावर बैलेंस होती है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर सुरेंद्र जी को लेके आइए कभी लाइव, सुरेंद्र जी को भी लेके आएंगे कभी लाइव, ठीक है, सुरेंद्र जी को भी ज़रूर लेके आएंगे, और थैंक यू आपने याद रखा नाम, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ जी सर, क्या पावर फैक्टर यूनिटी से ज़्यादा हो सकता है? मैंने बताया ना सुनील, अगर पावर फैक्टर यूनिटी से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको नोबेल मिल जाएगा, ठीक है, तो आप पावर फैक्टर को यूनिटी से ज़्यादा कैसे कर सकते हो? आप सोचिए, जितनी मेरी अपेरेंट पावर जा रही है सोर्स से ज़्यादा उतनी ही एक्टिव हो सकती है ना, उससे ज़्यादा तो एक्टिव नहीं जा सकती, बिकॉज अपेरेंट तो सारा मिला के है ना, पूरी सब हर एक चीज़ को मिला के, तो जितनी अपेरेंट जा रही है उससे ज़्यादा एक्टिव कहाँ से चली जाएगी, उसी का कुछ हिस्सा एक्टिव जाएगा, तो इसका मतलब पावर फैक्टर जो है वो आपका 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलिए भाई, तो मुझे लगता है मैंने सारे डाउट ले लिए हैं भाई, ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए ये सारे डाउट, एंड आज का सेशन अच्छा रहा, थोड़ा इंटरेक्टिव रहा। सर DPP करने में मोटिवेशन दो सर, EMFT तो बहुत पेंडिंग हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर 1 या 2 DPP आपने पेंडिंग छोड़ दी वो कभी काम पूरा नहीं होगा, इसलिए कुछ भी करो, चाहे आप 2 या 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो या फिर आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, बट उसको अटैम्प्ट जरूर करो, क्योंकि जब मैं सोल्व करवाऊंगा आपको सोल्यूशन दूंगा तो अल्टीमेटली वो सोल्व तो हो ही जाएगी, वो बाद में उसके सोल्यूशन देख सकते हो, बट द थिंग इज पहले आप प्रैक्टिस कर लो ना उसके ऊपर, ठीक है, बिकॉज देखो सोल्व ना होना बहुत अच्छा साइन है, इसको मत आप बुरा समझिए कि मेरे से तो सोल्व ही नहीं हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ DPP सोल्व ना होना बहुत अच्छा साइन है, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा इस चीज़ के लिए कि भाई आपको और पढ़ना है अभी, ठीक है, तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि मेरे से सोल्व नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, भाई मैं टिपिकल दे रहा हूँ और अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, सो दैट आपको हर एक कंसेप्ट रिवाइज हो जाए उस चीज़ के बहाने और आप हर चीज़ को याद रखो, ठीक है ना, तो इसलिए मैं वो DPP बना रहा हूँ, और नहीं सोल्व हो रहा तो बहुत अच्छा है, आप पढ़िए और पढ़िए, ठीक है ना, डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो भाई मुझे लगता है मैंने सारे डाउट ले लिए हैं। सर DPP कोर्स जल्दी लॉन्च करो वरना हम लोग पीछे रह जाएंगे। नहीं लोकेश, DPP कोर्स अभी तो सारा पब्लिक ही है, जितना भी DPP मैंने डाला है सारा पब्लिक है, बट 2-4 दिन में हम लोग डाल देंगे, ठीक है, 2-4 दिन में हम लोग जरूर कोर्स को हम अपडेट कर देंगे। संजीव सिंह सर कैसे हैं? संजीव मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू आपने पूछा, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। EMFT तो सर लेक्चर भी पेंडिंग है बहुत, जयंत कुमार गिरी, EMFT को करो भाई, EMFT को लाइटली मत लीजिए, ज़्यादातर स्टूडेंट EMFT को लाइट लेके चलते हैं, इस बार जो EMFT है बेशक वो आसान आया था बट एटलीस्ट 8 नंबर का पूछा गया है, 6 से 8 नंबर का EMFT पूछा गया, जनरली ऐसा नहीं होता है। EMFT को क्यों आप लाइटली लेते हो, ये हर सब्जेक्ट का बेसिक है इसके अंदर, तो इसमें यार अच्छे से कीजिए EMFT को तैयार, ठीक है ना।
सर आई एम एन ईसी स्टूडेंट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन मशीन फॉर ईएससी मेंस। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का तो मुझे अपडेट भी करना है, वो अपडेशन मैंने 2 वीक डिले इसलिए कर दिया बिकॉज हमारा जो कोचिंग सेंटर है, जो फिजिकल जो ऑफलाइन क्लासेज वहाँ पे चलती हैं, वो हमारा शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है उसको, थोड़ा उसको मॉडिफाई कराने में, चीज़ों को बनवाने में थोड़ा, इसलिए वो मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था, वो अभी टॉप फ्लोर पे हमारा हो गया है, तो उसको चेंज करने में थोड़ा सा मेरा समय जा रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया है, बट बहुत जल्दी इंस्ट्रूमेंटेशन अपडेट हो जाएगा, काफ़ी कुछ आ गया है, काफ़ी कुछ अपडेट हो जाएगा। और जो आप मशीन का जो पोर्शन बोल रहे हो वो हम आपको दे रहे हैं, तो वो आप ले लीजिए, उससे आप तैयार कीजिए, ठीक है, या फिर आपके पास अगर कोई स्टैंडर्ड बुक्स है तो उनसे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कोर्स परचेज ही करना है, मतलब मैं इस तरह आपको मोटिवेट नहीं करूँगा, बिकॉज मैं खुद सेल्फ स्टडी से किया हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से करें, ठीक है, बट फिर भी अगर आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, एक बढ़िया एजुकेटर चाहिए, तो आप इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए भाई, लैगिंग रिएक्टर का यूज़ क्यों करते हैं? लैगिंग रिएक्टर का यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ, आप मशीन में पावर सिस्टम में जाके देखिएगा, कंपनसेशन मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, आपको समझ आएगा, ठीक है जी। चलिए, पता नहीं, अब मेरे ख्याल से डाउट मैंने ले लिए हैं सबके, ठीक है सर। सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा है, अनमोल ने पूछा है, सिंक्रोनाइज तो करना पड़ेगा अनमोल, ठीक है, आप सोचिए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ठीक है, आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा बिकॉज आपको सिंक्रोनाइज करना है, और अभी से अगर सिंक्रोनाइज नहीं कर पाओगे तो आगे तो मैं वर्कलोड बढ़ाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप सिंक्रोनाइज कीजिए, कोशिश कीजिए कि हर चीज़ को साथ के साथ लेके चला जाए, ठीक है, तो अपने उस चीज़ को सिंक्रोनाइज कीजिए भाई, ठीक है, वो जरूरी है, सिंक्रोनाइज करें भाई, ठीक है। सर आई मैन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, हाउ टू प्रिपेयर नेटवर्क कंसेप्चुअली फॉर ईएससी। पंकज कुमार, नेटवर्क थ्योरी को हमने कवर किया है अपने कोर्सेज के अंदर, ठीक है, आप वो देख लीजिए या कोई स्टैंडर्ड बुक जो है उसको फॉलो कीजिए, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि नेटवर्क थ्योरी कैसे करना है, और कंसेप्चुअली लेके चलिएगा, मतलब न्यूमेरिकल बाद में करने हैं, पहले कंसेप्ट थ्योरी को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बाद में, मतलब पूरा सब्जेक्ट होने के बाद करना है, ना ना ना, साथ के साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं, वो एक गलत अप्रोच हो जाएगी, ठीक है ना। सर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी कुछ कीजिए या ईसी ब्रांच, एक तो हम लोग अभी एक एसएससी जेई का कोर्स भी हम लोग लाने वाले हैं अभी, ठीक है, तो वो चीज़ भी हम बहुत जल्दी अभी बताएंगे आपको, अनाउंस करने वाले हैं, तो बहुत जल्दी वो भी अनाउंस हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। सर मैंने मोबाइल ऐप से कोर्स परचेज किया है, सो वहाँ सब कवर्ड है ना, आई हैव स्टिल नॉट स्टार्टेड स्टडी। क्यों नहीं किया है स्टडी करना? स्टडी करना स्टार्ट करो, सब कुछ कवर है भाई, कुछ कुछ लेक्चर, एक दो सब्जेक्ट में हमारे कुछ मिसिंग थे, वो हम जब बहुत जल्दी पूरा करते, तब तक वहाँ पे पहुँचोगे तब तक आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो डोंट वरी, वो चीज़ हमारा पूरा कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है, आप वो ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर नेटवर्क में जब डिपेंडेंट सोर्स होता है तो आरटीएच निकालने में थेवेनिन में प्रॉब्लम होती है, तो आपको जो प्रॉब्लम हो रही है पंकज कुमार, उसको फिर से देखिए एक बार, उसको स्किप मत कीजिए, या फिर मान के मत चलिए कि चलो ठीक है हो गया हो गया, ठीक है, आप एक बार फिर से वहाँ पे जाइए, देखिए कि किस तरह की दिक्कत आ रही है, और फिर से उसको कवर कीजिए, ठीक है ना। जो डिपेंडेंट सोर्स वाली प्रॉब्लम है उनको फिर से ध्यान से समझिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें कैसे करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स लगा रहा हूँ, ज़्यादातर केसेज में मैंने करंट सोर्स ही लगाया, बट आप वोल्टेज सोर्स से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो एपिसोड है उसको हम इतना ही करेंगे, ठीक है, टाइम हो गया है, काफ़ी बातचीत भी हो गई है, मैंने अपना कंसेप्ट भी समझा दिया है, तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, और वो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी कोई नया वीडियो आएगा, तो बेल आइकन प्रेस कर दें भाई। ये हमारा मोबाइल ऐप के लिए QR कोड है, अगर आपको मोबाइल ऐप इंस्टॉल करनी है तो आप इसको स्कैन कर लें, या फिर अगर आप मोबाइल में ही ये वीडियो देख रहे हो तो स्कैन नहीं कर पाओगे, आप अपने गूगल प्ले स्टोर में CES लर्निंग ये नाम टाइप कीजिएगा, उससे आपको ऐप मिल जाएगी, वहाँ से आप कोर्सेज की जानकारी भी ले सकते हो, वहाँ पे हमारा डाउट पोर्टल है, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे, तो वहाँ पे आप अपने डाउट भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक नीचे दे दिया गया होगा, वो लिंक पब्लिक ग्रुप है, उसमें भी DPP पोस्ट होती हैं, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चंस वहाँ पे भी मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशन भी अभी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको फर्दर कोर्सेज की जानकारी चाहिए तो हमारी ये वेबसाइट है cesedu.co.in, यहाँ से भी आप कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, ये हमारे नंबर है भाई, इन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो या मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो एपिसोड है उसमें उतना ही, आपको होली फिर से मुबारक हो, और थोड़ा ध्यान रखिए आजकल जो कोरोना का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, जो कोरोना भी फैल रहा है भाई, तो उससे भी बच के रहे, थोड़ा हाथों को साफ करते रहे, ठीक है, एंड दूरी मेंटेन रखें, ठीक है भाई, और अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।